एवरीवन, द कोर एस्केप प्लेटफॉर्म पे सभी का स्वागत है। जैसे जैसे आपकी प्रीलिम्स 2024 नजदीक आ रही है, तो डेफिनेटली आप सभी लोगों का प्रिपरेशन ऑन ट्रैक रहेगा, ये मैं अज्यूम करके चलता हूँ। और खास करके हिस्ट्री के मामले में जहाँ जहाँ पे डिफिकल्टीज आ रही है सभी एस्पायरेंट्स को, तो उसको एड्रेस करने के लिए द कोर एस की तरफ से कंटिन्यूस प्रयास किए जा रहे हैं। और उसी कॉन्टेक्स्ट में बहुत सारी डिमांड्स ये आई थी, रिक्वेस्ट आई थी कि संगम एज के ऊपर एक स्पेशल हमारा सेशन होना चाहिए, और इसीलिए लास्ट वीक में हमने वो संगम एज के ऊपर एक स्पेशल सेशन रखा था। और उसी सिलसिले में और कुछ रिक्वेस्ट आई थी, जिसमें खास करके जो सिक्स स्कूल्स ऑफ एंशियंट फिलोसफी है उसके बारे में एक डिस्कशन सेशन की रिक्वेस्ट की गई थी। तो फिर से कोर आईएएस हमेशा ही तत्पर रहा है और रहेगा जो सारे प्रत्याशी या एस्पायरेंट है उनकी एग्जाम ओरिएंटेड रिक्वेस्ट को पूरा करने के लिए। और उसी सीरीज में एक स्पेशल सेशन और आ चुका है जहाँ पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो सिक्स स्कूल से एंशियंट इंडियन फिलोसॉफी के उसके बारे में। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, बिफोर स्टार्टिंग एनी डिस्कशन और बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग अबाउट अ टॉपिक, पहली बात तो यह है कि ओवरऑल पीवाईक्यू का थोड़ा सा मुआयजा करना जरूरी है, क्योंकि ये जो टॉपिक है थोड़ा सा ऑफ बीट टॉपिक है। एक तो वो फिलोसॉफिकल भी है, और फिलोसॉफिकल होने की वजह से क्या है, जो फिलोसॉफी जिनका ऑप्शनल है उनके हिसाब से वो टॉपिक रेगुलर भी है एंड उनके लिए वो बहुत ही बेसिक है। बट हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से जब हम देखते हैं उसको, हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव एंड हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं एंड फॉर जीएस पर्पस देखते हैं, तो कई बार होता है कि जो एस्पायरेंट्स है उनके लिए वो टॉपिक्स थोड़ा सा आपका डिफिकल्ट हो जाता है, एकदम टफ नहीं लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, ऐसी कई बार चीजें हो जाती है। तो पॉइंट क्या है कि जो सिक्स स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसॉफी हमारे है, तो डेफिनेटली उसमें यूपीएससी ने ज्यादा क्वेश्चंस पूछे नहीं है। पॉइंट क्यों यहाँ पे मेंशन करना जरूरी है, क्योंकि जो हमारे इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलोसफी है, ये ओवरऑल जो इंडियन फिलोसफी है जो पूरी दुनिया के बेस्ट मानी जाती है, सबसे ओल्डेस्ट या अर्लीस्ट भी मानी जाती है, उसमें हमारे पास दो टाइप्स आए थे, एक तो आस्तिक स्कूल एंड दूसरा नास्तिक स्कूल, मतलब जो एथेइज्म या भगवान में विश्वास करने वाले स्कूल्स है एंड जो भगवान में ना विश्वास करने वाले जो स्कूल्स है, ये दोनों स्कूल्स आई थी। और इस वजह से होता क्या है कि जो नास्तिक स्कूल होती है उसमें जैनिज्म एंड बुद्धिज्म सबसे प्रोमिनेंट है। जो नास्तिक स्कूल होती है उसमें क्या है, जैनिज्म और बुद्धिज्म सबसे प्रोमिनेंट है, उसके बारे में डेफिनेटली यूपीएससी ने बार बार क्वेश्चन पूछा ही है। जैनिज्म बुद्धिज्म हमेशा यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक रहा है, चाहे वो प्रीलिम्स हो या मेंस के लिए। और इसी वजह से क्या है कि ऑलरेडी द कोर आईएएस के प्लेटफॉर्म पे यूट्यूब चैनल पे जैनिज्म और बुद्धिज्म के एग्जॉस्टिव वीडियोज है, तीन घंटे का जैनिज्म का वीडियो, तीन घंटे का बुद्धिज्म का वीडियो ऑलरेडी अपने पास है ही, जो पीटी पर्सपेक्टिव से हमने पहले से कहीं ना कहीं वो पोस्ट करके रखा है। तो डेफिनेटली जैनिज्म और बुद्धिज्म के एग्जॉस्टिव रिवीजन के लिए भी और क्विक रिवीजन के लिए भी वो दोनों वीडियोज आपको काम में आएंगे। और जो नास्तिक फिलोसफी है उसमें मतलब जितने भी हेट्रोडॉक्स स्कूल से जिन्होंने ऑर्थोडॉक्स वैदिक फिलोसफी को अपोज किया था वो पर्टिकुलरली नास्तिक स्कूल में आ जाते हैं। तो उसमें आजीवक जो है या अजीविका फिलोसफी जिसको कहते हैं वो भी नास्तिक स्कूल में ही आ जाते हैं। और साथ ही साथ कहीं ना कहीं जो चार्वक है जिनको जिस स्कूल के फाउंडर बृहस्पति थे और उसको लोकायत फिलोसफी भी कहते हैं, क्योंकि वो पब्लिक के बीच में कहीं ना कहीं एज अ कंटिन्यूटी या कंटिन्यू मूवमेंट वो चलती गई थी, और वो प्योरली आपकी एक मटेरियलिस्टिक स्कूल ऑफ फिलोसफी है चार्वक स्कूल, और जिसको हम लोकायत कहते हैं या जिसके मेन प्रोपाउंडर या जिसके मेन जो कहीं ना कहीं जो उसको स्प्रेड करने वाले पर्सनैलिटी थे वो बृहस्पति माने जाते हैं। तो ये चार्वक स्कूल भी क्या है, एथेइस्ट स्कूल या नास्तिक स्कूल में आती है, और कहीं ना कहीं चार्वक स्कूल तो पूरी तरीके से मटेरियलिस्टिक स्कूल ऑफ फिलोसफी मानी जाती है, जो कंप्लीट मटेरियलिज्म होता है जिसमें खाओ पियो ऐश करो, ये सिंपल जो अपना प्रिंसिपल अगर ध्यान रखेंगे तो वो चार्वक स्कूल में आता है। तो ये सारी स्कूल्स जो है वो कहीं ना कहीं भगवान में विश्वास करती नहीं है एंड दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज अ नास्तिक स्कूल। और उनको हेट्रोडॉक्स इसलिए कहा जाता है
क्योंकि उन्होंने वैदिक ऑर्थोडॉक्सी को अपोज किया था। तो जो 6th century BC है हमारा इंडियन हिस्ट्री का एक मेजर वाटरशेड, वहां पे पॉलिटिकल जो रिवॉल्यूशन देखा गया था 16 महाजनपद के रूप में, उसी के साथ साथ कहीं ना कहीं फिलोसॉफिकल एंड रिलीजियस रिवॉल्यूशन भी देखा गया था, जहां पे 62 हेट्रोडॉक्स सेक्ट आए थे जिन्होंने वैदिक ऑर्थोडॉक्सी जो खास करके उत्तर वैदिक काल या लेटर वैदिक पीरियड में आई थी उसको अपोज किया था। बट सिर्फ हम मेजर जो पढ़ते हैं वो जैनिज्म बुद्धिज्म दो ही पढ़ते हैं, बाकी 60 के बारे में हम कोई जानने की जरूरत नहीं है हमारे लिए। थोड़ा सा अर्जीवक और चार्वक के बारे में अभी तक तो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा नहीं है, और बाकी हमारे बाकी डिस्कशंस में या टेस्ट डिस्कशन में भी मैंने अर्जीवक के बारे में बताया है आप लोगों को। तो खास करके जैनिज्म बुद्धिज्म के बारे में सब कुछ आता है, बट जो 6 स्कूल्स ऑफ फिलोसॉफी जिसको हम कहते हैं, जो आस्तिक है या कहीं ना कहीं वो भगवान में विश्वास रखते हैं और कहीं ना कहीं वो वेदास में उनका जो विश्वास है उनके रूट्स माने जाते हैं, चाहे वो वेद हो या उपनिषद हो, वो सारे षड दर्शन कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि वो 6 स्कूल्स है तो 6 मतलब षड, एंड जाहिर सी बात है ये सारे के सारे स्कूल्स वैदिक फिलोसॉफी से एसोसिएटेड है। जितने भी हेट्रोडॉक्स एंड नास्तिक स्कूल्स है दे आर अपोजिंग द वैदिक ऑर्थोडॉक्सी एंड ओवरऑल द वैदिक नॉलेज और समथिंग इन वन फॉर्म और अदर, बट अदरवाइज दोज हु आर आस्तिका स्कूल्स दे आर डेफिनेटली बिलीविंग इन द गॉड ऑल्सो एज वेल एज दे आर बिलीविंग इन द वेदास, एंड इफ समवन इज नॉट बिलीविंग इन द वेदास कंप्लीटली दैट स्कूल विल डेफिनेटली बिलीव इन उपनिषद। तो हमारे जो 6 स्कूल्स है तो 6 मतलब षड, सारा का सारा वैदिक लिटरेचर संस्कृत में कंपोज भी हुआ था और बाद में उसको लिखा भी गया था। तो जाहिर सी बात है कि जो 6 स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसॉफी है जो अराउंड 1st century AD जिनका एक फाइनल फॉर्म या डेफिनेट फॉर्म आपका डेवलप हुआ था वो सारे के सारे संस्कृत में है, उनका मतलब जो भी राइटिंग आज हमारे पास अवेलेबल है एज एविडेंस लिटररी एविडेंस वो संस्कृत में है, ये पॉइंट ध्यान में रखना है। एंड वेदास में उनके रूट से या उपनिषद में रूट है तो जाहिर सी बात है कि वो आस्तिक में भी आएंगे, और साथ ही साथ क्या है उनका जो फोकस है तो स्पिरिचुअलिज्म और जो आपका आफ्टर वर्ल्ड है उसके ऊपर तो रहता ही रहता है, बट साथ ही साथ उनमें मटेरियलिज्म के भी एस्पेक्ट दिखते हैं। जो फिलोसफी है वो सिर्फ और सिर्फ आप ही कहीं ना कहीं सुप्रीम जो सोल है जिसको हम परमात्मा कहते हैं या जो सुप्रीम गॉड है उनके बारे में नहीं है, वो कहीं ना कहीं मटेरियलिज्म के ऊपर भी फोकस करते हैं। और यहाँ पे दर्शन जो होता है तो दर्शन मतलब डेफिनेटली फिलोसफी, बट एक्चुअली जो दर्शन वर्ड है उसका मीनिंग फिलोसफी वो बाद में आ गया क्योंकि वो इंटरप्रिटेशन के हिसाब से वो डेवलप हो गया, जो जो भी उन्होंने कहीं ना कहीं इंटरप्रेट करने की कोशिश की थी। और ये इसका ओरिजिन कहां से आएगा, ओरिजिन आएगा कि अपना खुद का एग्जिस्टेंस जो रोज मजार की आपकी डेली रिक्वायरमेंट्स पूरी हो गई, फिर जब उस समय वैदिक टाइम्स में या इवन वैदिक टाइम्स के बाद भी जब लोग सोचते थे और खास करके सेजेस जो आपके एस्थेटिक्स या सन्यासी रहते हैं जो रिनाउंसर्स रहते थे तो वो कहीं ना कहीं ह्यूमन एग्जिस्टेंस के बारे में सोचते थे कि ह्यूमन जो रियलिटी है ह्यूमन स्पेशीज उनका एग्जिस्टेंस ये कहां से आया, ओरिजिन कहां से है। ठीक, जैसे एक तरीके का अपना एंथ्रोपोलॉजी में हम देखते हैं रेस के हिसाब से ह्यूमन रेस के हिसाब से, तो उन्होंने बेसिकली फिलोसॉफिकली देखा था। तो उन्होंने उनका कनेक्शन लगाना शुरू किया था सुपर नेचुरल पावर की तरफ से जिसको कहीं ना कहीं सुप्रीम गॉड के रूप में माना गया था, फिर वो उसका नाम ब्राह्मण हो गया और ब्राह्मण से हम कहते हैं कि ब्राह्मण तो ब्रह्म मतलब सुप्रीम नॉलेज ऑल्सो एंड सुप्रीम रियलिटी ऑल्सो। तो फिर वो गॉड का कंसेप्ट आ गया, फिर गॉड और अगर हमारा एग्जिस्टेंस है तो हम दोनों के बीच में संबंध क्या है, और इस संबंध के बीच में हमारा नेचर या कहीं ना कहीं जो सराउंडिंग्स है फिजिकल जो हमारा एग्जिस्टेंस है जिसको हम वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में देख सकते हैं या यूनिवर्स के कॉन्टेक्स्ट में देख सकते हैं, तो वेदर द यूनिवर्स और वर्ल्ड द पार्ट ऑफ विच वी आर, अभी फिलहाल वो पूरी तरीके से ओवरऑल यूनिवर्स को कहीं ना कहीं इनकम्पास करने के लिए लोग जा नहीं रहे थे, फिलहाल सिर्फ अगर अर्थ या करंट वर्ल्ड की बात करेंगे तो फिर हमारा जो संबंध है सुप्रीम क्रिएटर और हमारे बीच में तो ये जो वर्ल्ड है वो भी क्या उनकी तरफ से ही क्रिएट किया गया है, अगर उन्होंने हमें क्रिएट किया है तो क्या उन्होंने इस दुनिया को भी क्रिएट किया, और अगर हम रियलिटी है हम रियल है हम फिक्शन नहीं है तो क्या वर्ल्ड भी रियलिटी है या वो फिक्शन है, इसी में सारी बातें आ गई और डिस्कशन के रूप में जब आ गई डिस्कोर्स के रूप में आ गई तो कहीं ना कहीं वो फिलोसॉफिकल स्कूल्स बन गई थी। बट अदरवाइज दर्शन का मतलब क्या होता है कि योर इंट्यूटिव विजन,
कि आप क्या कहीं ना कहीं आपका जो एक सिक्स सेंस होता है माइंड, वो क्या सोचता है, थॉट प्रोसेस क्या आती है, आप क्या फील करते हो, क्या परसीव करते हो, वहां से वो एक्चुअली दर्शन वर्ड आता है। बाय चांस यूपीएससी पूछ सकती है कि दर्शन का एक्चुअल मीनिंग फिलोसफी है या दर्शन का और पहले कभी मीनिंग था। दर्शन का एक्चुअल मीनिंग था इंट्यूटिव विजन, जो अंदर से एक फीलिंग आती है। कहीं ना कहीं अल्टीमेटली नेचर ने हमें जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट हमारी की है, तो जाहिर सी बात है इनबिल्ट रीजनिंग हमारे पास तो है। बाद में जाकर ये सुपरस्टिशंस वगैरह सब कुछ आएंगे, बात अलग है, पर इनबिल्ट ह्यूमन माइंड इज फुल ऑफ इंक्वायरी। हम कहीं ना कहीं इंक्वायरी में बिलीव करते हैं, कहीं ना कहीं हम बिलीव करते हैं कहाँ पे, हम लॉजिक में बिलीव करते हैं, रीजनिंग में बिलीव करते हैं। एक साइंटिफिक टेम्पर इनबिल्ट होता है, वो क्यूरियोसिटी के रूप में कहीं ना कहीं आ ही जाता है, किसी भी अगर कॉमन मैन की बात करेंगे तो वहां से वो दर्शन जो है, और दर्शन मतलब सेल्फ आइडेंटिटी, खुद को पहचानना, और साथ ही साथ क्या है कि अपने सराउंडिंग्स को भी पहचानना। यहां से सारा वो शुरू हुआ सिलसिला, और वो जिस तरीके से लोगों के सामने रखा गया वो हो गई आपकी फिलोसॉफी, और फिर वो दर्शन शास्त्र के रूप में आ गया। तो जैसे मैंने पहले ही बताया कि फिलोसॉफी एज अ ऑप्शनल अभी हमें डिस्कस नहीं करना है, सिर्फ जीएस पर्सपेक्टिव से हिस्ट्री में डिस्कस करना है, आर्ट एंड कल्चर पर्सपेक्टिव से। और इसमें भी क्या बताया मैंने कि जो जैनिज्म बुद्धिज्म उसके ऊपर तो क्वेश्चंस भर भर के आते ही, वो एक मिनी पीएचडी यूपीएससी ने करवाई थी, फिलहाल थोड़ा सा इंपॉर्टेंस कम हो गया है। बट जो आस्तिक स्कूल जो मैं बता रहा हूँ, सिक्स स्कूल्स षड दर्शन, तो उसमें ज्यादा यूपीएससी ने क्वेश्चन नहीं पूछे है। लेकिन क्या क्वेश्चन पूछे है पहले हम देख लेते हैं एज अ पीवाईक्यू। तीन चार क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन जो आया था 2014 में आया था, एक सिंपल बेसिक पूछा है कि जो पेयर्स दिए थे, चार ऑप्शंस में पेयर्स दिए हैं, और इनमें से कौन सा पेयर सिक्स स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसॉफी में नहीं आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट एज फार एज द पेयर्स आर कंसर्न विद रिगार्ड्स टू सिक्स स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसॉफी, ये पूछा है। पहला आपका मीमांसा एंड वेदांता, दूसरा है न्याय एंड वैशेषिका, तीसरा है लोकायत एंड कपालिका, एंड चौथा है सांख्य एंड योगा। तो जस्ट आई मेंशन दैट एज अ पार्ट ऑफ हेटरोडॉक्स स्कूल्स वी हैव लोकायत और चार्वक फिलोसॉफी, ठीक है। तो अगर एक कोई भी अगर आपको टर्म पता होगा तो अभी ऑब्वियसली आपको करेक्ट आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे गलत आंसर मतलब आंसर जो सही होना चाहिए और जो सिक्स स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसॉफी का पार्ट नहीं है वो आंसर सी है, लोकायत, जो हेटरोडॉक्स फिलोसॉफी है, नास्तिक वाली फिलोसॉफी है, कंप्लीट मटेरियलिज्म में बिलीव करने वाली फिलोसॉफी। एंड कपालिका तो शैविज्म का एक सब्सेक्ट आता है, तो जाहिर सी बात है बाद में जब हिंदुइज्म आ गया, भक्ति मूवमेंट आई, तो शैविज्म और वैष्णविज्म ये सेक्ट आ गए थे। ये दो सब्सेक्ट या दो मेजर सेक्ट कहीं ना कहीं दिखते हैं हमें हिंदुइज्म में। उसमें शैविज्म के जो अलग अलग सब्सेक्ट आ गए उसमें से कपालिका एक आता है, और एक होता है अघोरी सेक्ट शैविज्म का। तो शैविज्म के भी अपने अपने सब्सेक्ट है, तो उसमें जाने की जरूरत नहीं हमें। तो इस वजह से क्या कि आंसर सी है। तो ये क्वेश्चन पूछा था, ये थोड़ा डायरेक्ट था। एक क्वेश्चन सांख्य फिलोसफी के बारे में पूछा है, एक क्वेश्चन 2013 में पूछा था सांख्य फिलोसफी के बारे में, ठीक है। और डेफिनेटली जो बेसिक प्रोविजन है सांख्य फिलोसफी उसके बारे में पूछा गया है, विद रेफरेंस टू द इंडियन हिस्ट्री, सॉरी विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ फिलोसॉफिकल थॉट्स इन इंडिया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सांख्य स्कूल, ठीक है। फर्स्ट, सांख्य डजंट एक्सेप्ट द थ्योरी ऑफ रीबर्थ और ट्रांस माइग्रेशन ऑफ सोल। सेकंड, सांख्य होल्ड्स दैट इट इज द सेल्फ नॉलेज दैट अल्टीमेटली लीड्स टू द लिबरेशन एंड नॉट एनी एक्सटीरियर इन्फ्लुएंस और एजेंट। तो एंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट, ये पूछा गया है। तो अभी सांख्य फिलोसफी के बारे में देखेंगे ऑब्वियसली क्या क्या मेजर फीचर्स है। यहाँ पे आंसर बी है टू ओनली, पहला आंसर गलत है, क्योंकि सांख्य स्कूल भी अल्टीमेटली क्या है, जितने भी सिक्स स्कूल्स है जिसको हम आस्तिक स्कूल क्यों कहते हैं या एथेइस क्यों कहते हैं, वो भगवान में तो विश्वास करते ही है, लेकिन इसमें क्या है कि सबका एक कॉमन फीचर है, वो कहीं ना कहीं साइंटिफिक इंक्वायरी, रैशनैलिटी, लॉजिक या रीजनिंग की बात करेंगे एट वन पॉइंट या अदर, ठीक, बट अल्टीमेटली दे विल कम टुवर्ड्स द रिलीजियस एंड समवेयर लाइक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स, एंड देन दे विल गेट इन टू द सो कॉल्ड सोल एंड ट्रांस माइग्रेशन ऑफ द सोल एंड ऑल दिस थिंग्स। तो वो कहीं ना कहीं आपको दिखेगा। तो वो बाद में जाके अगर कोई मटेरियलिस्टिक फिलोसॉफी भी है तो बाद में जाके वो स्पिरिचुअल बन जाएगी या रिलीजियस बन जाएगी। ये इनका एक कॉमन फीचर है सारे स्कूल्स का, जो छह स्कूल्स हम देखने वाले हैं, तो उसी कॉन्टेक्स्ट में हमें वो देखना है। तो ये सांख्य के बारे में पहले ही पूछा गया है 2013 में। और एक पूछा गया क्वेश्चन 2 ही क्वेश्चन आए बेसिकली,
विद रिगार्ड्स टू दी सिक्स सो फॉर सिक्स स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी, ठीक है। तो और बाकी कोई क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है ऐसे, और बाकी दो तीन क्वेश्चन अगर कुछ आए हैं तो वो अभी जो सिक्स स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी है उसमें एक वेदांता नाम की स्कूल आएगी, और उस वेदांता स्कूल से फिर भक्ति मूवमेंट जब मेडिवल इंडिया में आई तब हमारे पास अलग अलग सब टाइप्स मिलते हैं। उस वेदांता में फिर अद्वैत फिलोसॉफी, विशिष्ट अद्वैत फिलोसॉफी, द्वैत फिलोसॉफी, द्वैत अद्वैत फिलोसॉफी, ठीक है, एंड फिर आपको दिखती है शुद्ध अद्वैत फिलोसॉफी। ऐसे पांच डिफरेंट फिलोसॉफीज आए थे मेडिवल इंडिया में आफ्टर अराउंड फ्रॉम 9th सेंचुरी एडी टू 16th-17th सेंचुरी एडी। और उसी के साथ साथ और एक फिलोसॉफी आई थी अचिंत्य भेद अभेद, तो वो फिलोसॉफीज वेदांता फिलोसॉफी से रिलेटेड है। और वेदांता फिलोसॉफी ये सिक्स स्कूल्स जो है इंडियन फिलोसॉफी जो एंशियंट टाइम्स में आए हैं उसका पार्ट है। आज हम सिर्फ और सिर्फ फोकस करेंगे जो सिक्स स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसॉफी, क्योंकि डिस्कस करते करते हमारा टाइम हो जाएगा, तो डेफिनेटली कभी और जो बाकी भक्ति मूवमेंट के जो पार्ट्स है जिसमें ये सिक्स सब टाइप्स आएंगे द्वैत अद्वैत वगैरह सब कुछ, वो कभी और देख लेंगे। तो वो कहीं ना कहीं एक और एक अलग से सेशन आपका भक्ति मूवमेंट के ऊपर ही हो जाएगा, तो वो भी आसान रहेगा। और मेडिवल इंडिया में भी आजकल सूफी और भक्ति मूवमेंट के ऊपर क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं। एक टाइम था यूपीएससी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ रही है, अभी उसने वो ट्रेंड कम कर दिया है, बट फिर भी एक आध रिविजन सेशन हम बाद में कर सकते हैं, वो बात की बात है। तो ये सारा क्या है कि फिर फिलहाल हमारे पास क्या दो प्योर क्वेश्चन है कि जहाँ पे ये सिक्स स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी के बारे में पूछा है। नाउ वन बाय वन वी विल सी, अब ये एक बार इंट्रो एंड ओवरव्यू देख लिया, नाउ वी विल गो टू द एग्जैक्ट फीचर्स कि यहाँ पे अगर छह के छह स्कूल से तो हर एक में क्या क्या डिफरेंस है, उनके क्या क्या स्पेसिफिक या पर्टिकुलर फीचर्स है। दोज़ हु आर ऑनलाइन, इज इट क्लियर? यस सर। ओके, सो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट, जस्ट आई विल गो फॉर अ फ्लो चार्ट, सिक्स स्कूल्स ऑफ आस्तिक और सो कॉल्ड वैदिक और हिंदू फिलोसॉफी, क्योंकि बाद में वैदिक रिलीजन जो है वही बाद में जाके हिंदुइज्म बन गया था। सो वी हैव सांख्य, ठीक है, वी हैव न्याय, इनफैक्ट वी कैन टेक योगा, सांख्य देन योग देन न्याय देन वी हैव वैशेषिका देन वी हैव पूर्व मीमांसा एंड फाइनली वी हैव उत्तर मीमांसा विच इज ऑल्सो कॉल्ड अ वेदांत, विच इज ऑल्सो कॉल्ड अ वेदांत, ठीक है। दिस पॉइंट वी हैव टू कीप इन माइंड। ऑनलाइन इज इट क्लियर द फ्लो चार्ट, सिक्स स्कूल्स में क्या आएंगे जो 2014 में क्वेश्चन पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ सिक्स स्कूल्स। ये बेसिक मोस्ट बेसिक लेवल पे ये छह पता होने चाहिए, और कितना भी ये बेसिक लेवल हो ऐसे ही बेसिक क्वेश्चन में कई बार गलती होने का चांस रहता है, कि एट द लास्ट मोमेंट फैक्चुअल होने की वजह से वो पता नहीं चलता है, सारे ही सिमिलर लगते हैं और कन्फ्यूजन का चांस हो जाता है। कई बार थोड़े से टफ क्वेश्चन हम कर लेते हैं, बट मोस्ट बेसिक्स ऑफ द क्वेश्चन देर इज अ चांस दैट वी कैन गो इन अ डिफरेंट वे, सो वी हैव टू अवॉइड दैट। तो ये क्लियर है छह स्कूल्स क्या है? यस सर। एंड ऑब्वियसली दिस फिलोसॉफिकल डेवलपमेंट स्टार्टेड राइट फ्रॉम द वैदिक पीरियड, स्पेशली लेटर वैदिक पीरियड। सो फ्रॉम 1000 BC यू विल सी द डेवलपमेंट्स ऑफ दिस सो कॉल्ड फिलोसॉफी, एंड देन बाय 1st century AD यानी 1000 ईयर्स के बाद ये सारे फाइनल फॉर्म में आ गए थे, और फिर उनको रिटन फॉर्म में या फाइनलाइज फॉर्म में पुट किया गया था, एंड कहीं ना कहीं वो एविडेंस आज भी अवेलेबल है। तो इसमें सबसे पहले क्या है कि अगर फिर से और एक बैकग्राउंड बताता हूँ, तो जैसे मैंने बताया कि इसमें से कुछ स्कूल्स जो है वो
वो प्योरली वेदास के ऊपर फोकस करेंगे. लाइक एग्जांपल वी हैव मीमांसा, दैट इज पूर्व मीमांसा. पूर्व मीन्स लाइक अ प्रायर वन एंड उत्तर मीन्स लेटर वन. तो जो मीमांसा है वो कंप्लीटली वेदास के ऊपर ही फोकस करती है. या इवन योग और न्याय है, ये भी कहीं ना कहीं वेदास में रूटेड है. ठीक है, बट इफ यू कम टू वेदांत, दैट इज उत्तर मीमांसा, जिसको मैंने वेदांत कहा है जो लास्ट है, वो आपकी उपनिषद के ऊपर डिपेंड है. वो आपकी क्या है, उपनिषद के ऊपर डिपेंड है. ये पॉइंट ध्यान में रखना है. तो आयदर वेद और उपनिषद, इसी से इनका ओरिजिन आता है. और एक तरीके से ये सीक्वेंस भी है. सांख्य सबसे पुरानी मानी जाती है, फिर योग है, फिर न्याय है, फिर वैशेषिक है. ठीक है, हालांकि न्याय सीक्वेंस के हिसाब से बाद में आनी चाहिए, वैशेषिक पहले डेवलप हुई थी. बट न्याय की फिलोसफी क्या है, फाइनल फॉर्म में पहले लिखी गई थी. डेवलप होते वक्त न्याय बाद में थी, वैशेषिक पहले थी. बट न्याय को जब फाइनल फॉर्म में आया था तब न्याय पहले आई थी, फिर वैशेषिक को फाइनल या वैशेषिका को फाइनल फॉर्म में किया गया था. वैसे ही मीमांसा भी आपकी पहले आती है जब डेवलप होना शुरू हो गया था, बट फाइनल फॉर्म में आई तब मीमांसा बाद में आई थी. एंड अल्टीमेटली उत्तर मीमांसा या वेदांत आता है. तो ये रफली ओवरऑल आपका ध्यान में रखना है कि ये स्कूल्स कैसे है. अभी इसमें फिर से एक बैकग्राउंड बता दो. तो कहीं ना कहीं ओरिजिन वेदास एंड उपनिषद में है. तो पॉइंट क्या है, इसमें मटेरियलिज्म और स्पिरिचुअलिज्म दोनों दिखता है. क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं जो ऋग्वेदिक पीरियड है एंड इवन लेटर वैदिक पीरियड, यहां पे मटेरियलिज्म डेफिनेटली था. आर्यंस जब इंडिया में आए, सप्त सिंधु में उनका पहला आपका क्या है, पड़ाव था. जब सेंट्रल एशिया से जब आए एंड पूरा जो ऋग्वेदिक पीरियड है उसमें तो आर्यंस कहीं ना कहीं सेंट्रल एशिया में ही रहे थे, सॉरी वो सप्त सिंधु में ही रहे थे. सप्त सिंधु के बाहर ज्यादा आए नहीं थे, क्योंकि उनका जो लाइवलीहुड था वो डेयरी फार्मिंग, एनिमल हस्बेंड्री एंड पैस्टोरलिज्म था. तो जहां ग्रासलैंड्स वगैरह अवेलेबल थे कंटिन्यूअसली उसी रीजन में, और जहां वाटर अवेलेबिलिटी अच्छी थी वहीं पे वो रहे थे. जब ऋग्वेदिक पीरियड खत्म होने को आता है और लेटर वैदिक शुरू हो जाते हैं, तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया ही है समवेयर जो आयरन की डिस्कवरी है लोहे की, वो दोनों पीरियड्स को अलग करती है, क्योंकि आयरन टेक्नोलॉजी की वजह से आयरन एज भी शुरू हो जाता है एंड परमानेंट एग्रीकल्चर आ गया. एंड परमानेंट एग्रीकल्चर के लिए जाहिर सी बात है कि आर्यंस जो हमारा अपर गंगा वैली है एंड मिडिल गंगा वैली यानी उत्तर प्रदेश एंड देन लोअर गंगा वैली दैट इज बिहार एंड बंगाल, वहां पे धीरे धीरे आर्यंस आ गए थे, जिसको हम उत्तर वैदिक काल कहते हैं, जो मैंने संगम एज के टाइम में भी एक बार बैकग्राउंड दिया था. तो फिर होता क्या कि ऋग्वेदिक पीरियड में तो आर्यंस का लाइफ बहुत सिंपल था, थोड़ा स्ट्रगल वाला लाइफ था एंड परमानेंट सेटलमेंट नहीं थी उनकी, सेमी नोमेडिज्म वाज लॉन्ग. तो इतनी मटेरियल रिक्वायरमेंट्स नहीं थी, मटेरियलिज्म आपको इतना नहीं मिलेगा. ऋग्वेदा में सारा कुछ रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल ही मिलता है. लेकिन डेफिनेटली आर्यंस की पॉलिटिकल सिस्टम, सोशल सिस्टम एंड इकोनॉमी, इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन है. तो ऋग्वेदा में जो आर्यन कम्युनिटी के और आर्यन एज अ रेस जो भी आई थी, उनके जो मटेरियल एस्पेक्ट है उसके बारे में भी डिस्कशन है. पर फोकस कहीं ना कहीं क्या है, गॉड्स एंड जो ओवरऑल स्पिरिचुअलिज्म है, जहां से वैदिक रिलीजन का ओरिजिन है या हिंदुइज्म का ओरिजिन है, उसके ऊपर ही आता है. लेटर वैदिक पीरियड में क्या हो गया कि ऋग्वेद का नॉलेज ही लोग भूल रहे थे, या ऋग्वेद की जो फिलोसफी है या उसका जो कहीं ना कहीं एप्लीकेशन ऑफ दैट नॉलेज है या जो रिक्वायरमेंट्स है आपकी, वो भूल रहे थे. एंड कहीं ना कहीं एक्सेसिव मटेरियलिज्म लेटर वैदिक पीरियड में हो गया था, या हम लोगों ने देखा है. और उसमें फिर वो एनिमल सेक्रीफाइसेस वगैरह बढ़ गए थे. फिर जैसे हमने देखा कि हेट्रोडॉक्स स्कूल्स जो है, जैनिज्म, बुद्धिज्म, आजीविक, लोकायता वगैरह, ये वैदिक जो ऑर्थोडॉक्सी उसको अपोज करने के लिए आई थी लेटर वैदिक पीरियड के बाद में. बट लेटर वैदिक पीरियड के बाद में अगर जैनिज्म, बुद्धिज्म आई उनको अपोज करने के लिए वैदिक ऑर्थोडॉक्सी को, उससे पहले लेटर वैदिक पीरियड में ही देर वॉज अ मूवमेंट फ्रॉम विद इन. ठीक है, जो पहला अपोजिशन वैदिक ऑर्थोडॉक्सी को आया था वो जैनिज्म, बुद्धिज्म से नहीं आया था, वैदिक रिलीजन और जो सोसाइटी है वहीं से आया था. एक सेक्शन सोसाइटी का ऐसा था कि जो कहीं ना कहीं वो ब्राह्मीन सी थे, सेजेस थे, एजुकेटेड थे, संस्कृत के मास्टर्स थे, जो इंटेलेक्चुअल्स थे, जिनको सारे वेदास पता थे. बट कहीं ना कहीं जो अदर सेक्शन ऑफ द ब्राह्मीन्स थे या प्रिस्टली क्लास, जो वेदास का नॉलेज भूल के लोगों को कहीं ना कहीं सुपरस्टिशंस, कस्टम्स, ऑर्थोडॉक्सी, ट्रेडिशंस, जिसको हम कर्मकांड कहते, उसमें फंसा रहे थे, उसको पहला वॉइस या अपोजिशन ब्राह्मीन ने ही ब्राह्मीन के खिलाफ किया था. और वही आता है आपका उपनिषद. वही से शुरुआत कहां से होती है, उपनिषद, द ओल्डेस्ट एवर सर्वाइविंग फिलोसॉफी ऑफ द वर्ल्ड एंड हाईएस्ट एवर फिलोसॉफी ब्रॉट बाय मैनकाइंड एवर.
उपनिषद जो है उसके ऊपर कोई भी फिलोसफी दुनिया की आज तक नहीं आई है, ये सारे मानते हैं। तो 800 बीसी से ये उपनिषद का एरा दिखता है आपको। लेटर वैदिक पीरियड जो 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी में है, उसी में 800 बीसी से आपको उपनिषद आना शुरू होता है। टोटल 108 उपनिषद है, और उपनिषद का शुरुआती यहां पे है कि एक तो खुद का सर्च करना, हु आई एम, ठीक है, एंड मैं कौन हूं और मैं क्या हूं और मैं ये हूं, जो आता है तत्त्वम असि थॉ यू आर, कि आप ऐसे हो, आप ये आपकी रियलिटी है या आपकी आइडेंटिटी है, वहां से ये उपनिषद की क्वेस्ट शुरू हो जाती है। और फिर वो आता है सोल का कंसेप्ट, फिर वो आता है सोल का कंसेप्ट एंड वैदिक रिलीजन यानी हिंदुइज्म, तो गॉड में विश्वास करता ही है। तो फिर सोल जो है इंडिविजुअल सोल, ठीक, यानी जो ह्यूमन बींग है और उसका जो इनर कॉन्शियसनेस है जिसको हम सोल या आत्मा कहते हैं, उसका रिलेशन जो सुप्रीम सोल जिसको हम भगवान कहते हैं उसके साथ क्या है, वहां से शुरू होता है। एंड साथ ही साथ जाहिर सी बात है कि एज अ ह्यूमन बींग वी आर हियर, बट ह्यूमन बींग है मतलब हम सोल नहीं है, यह हमारा आउटर एग्जिस्टेंस है, फ्लैश एंड ब्लड। सोल तो इनर कॉन्शियसनेस जिसको हम चेतना भी कहते हैं, तो ये माना गया है। तो फिर ये जो आउटर एग्जिस्टेंस है ये खत्म होता है, ये भी रियलिटी है यानी डेथ, और कहीं ना कहीं आप उसको बरी करोगे या क्रीमेशन करोगे, ये भी रियलिटी है। तो फिर जो सोल है इनर कॉन्शियसनेस उसका क्या होता है, इसके बारे में डेवलपमेंट शुरू होगी। और फिर सारा स्पिरिचुअलिज्म शुरू हुआ था उपनिषद में, और फिर वो आपको सोल का, सोल के बाद कंसेप्ट आता है ट्रांस माइग्रेशन ऑफ सोल, और ये सारी चीजें फिर हमने जैनिज्म बुद्धिज्म में भी डिस्कस की है कि भाई जैनिज्म विश्वास करता है सोल में या नहीं करता है, बुद्धिज्म करता है या नहीं करता है, और इसके ऊपर यूपीएससी ने अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे हैं। और इस सबका रूट कहां पे है, उपनिषद में ही है, ठीक, तो कहीं ना कहीं, और इसलिए उसको उपनिषद गंगा कहा जाता है क्योंकि एक वो रिवर की तरह है, वो बहती रहती है, और जिसने बाकी फिलोसफीज जो बाद में आई उसको मोटिवेट किया, चाहे वो वैदिक रिलीजन की ये छह फिलोसफीज हो या जो वैदिक रिलीजन को अपोज कर रही है, उनको भी उपनिषद ने ही कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस किया है। तो ये सोल एंड ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ द सोल, जिसमें उपनिषद विश्वास करते हैं, और उपनिषद विश्वास कहां करते हैं, थ्योरी ऑफ कर्म, जैसे हम क्या कहते हैं कि भाई हमारी ह्यूमन बॉडी जब डेथ होती है मतलब क्या है, जैसे हम ओल्ड क्लोथ डिस्कार्ड करते हैं कपड़ा पुराना होने के बाद या फटने के बाद, वैसे ह्यूमन बॉडी जब ओल्ड एज में आती है, ट्वाइलाइट ईयर्स में आती है, उसका जब लाइफ फेज खत्म हो रहा है, तो सोल ओल्ड बॉडी को डिस्कार्ड करता है जिसको हम डेथ कहते हैं, एंड सोल कहीं ना कहीं एज अ न्यू बॉर्न बेबी फिर से आपका बर्थ लेता है। तो ये जो अनएंडिंग साइकिल ऑफ बर्थ डेथ एंड रीबर्थ है, जिसके बारे में जैनिज्म और बुद्धिज्म ने भी बाद में कहा, वो सबसे पहले उपनिषद ही कहता है। और कहीं ना कहीं फिर वो लॉ ऑफ कर्मा लाया गया है इंटरप्रिटेशन में, कि अगर आपका अनएंडिंगली बर्थ हो रहा है, डेथ के बाद फिर से रीबर्थ हो रहा है, उसका रीजन क्या है, क्योंकि आपका आत्मा कहीं कहीं सफर करता है आपके कर्म की वजह से, जो पास्ट का आपका कर्म है या इवन करंट कर्म है उसके हिसाब से आपको फल मिलता है, ठीक, और वो अच्छा बुरा दोनों हो सकता है, जिसको हम पाप और पुण्य कहते हैं। ये फिलोसफी सबसे पहले उपनिषद लेके आए थे, तो ये सारी चीजें। और फिर वो लाइफ को डिसिप्लिन करने के लिए उपनिषद के साथ साथ बाकी जो लेटर वेरिक टेक्स्ट है उसमें फिर वो चार वर्ण आश्रमास भी आते हैं, यानी आपका ब्रह्मचर्य स्टेज, गृहस्थ स्टेज, वानप्रस्थ स्टेज एंड फिर संन्यास स्टेज, कि इंसान का लाइफ कैसे होना चाहिए, एंड संन्यास में आने के बाद अल्टीमेटली आपका गोल क्या होना चाहिए, मोक्ष होना चाहिए, फाइनल लिबरेशन, ये सारी चीजें आपकी आती है। और इसमें एक एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन आप नोट कर सकते हो, जैसे उपनिषद है, एक तो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया था, कौन सा वो हमारा मुंडक उपनिषद का पूछा था, आई थिंक 2014 या 16 में, सत्यमेव जयते, जो हमारा फेमस मोटो है, तो वो कहीं ना कहीं मुंडक उपनिषद से लिया गया था, ठीक है, ये एग्जाम परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज थी। और साथ ही साथ क्या है आपका, कि जो चंडोग्य नाम का एक उपनिषद है, चंडोग्य उपनिषद है, जिसमें यह आता है तत्त्वम असि थो यू आर। अगर हम क्वेश्चन पूछेंगे मैं हूं कौन, खुद से अगर क्वेश्चन पूछते हैं तो हम उसका आंसर खुद बाद में रियलाइज कर सकते हैं, ठीक है, और फिर जो आंसर हमें मिलेगा, खुद की जो सेल्फ आइडेंटिटी है वो, उसको कहा गया है तत्त्वम असि, आप ये हो, ये चंडोग्य उपनिषद में कहा गया है, ठीक, सत्यमेव जयते कहां पे है, आपका मुंडक उपनिषद में है, एंड चंडोग्य उपनिषद में क्या है आपका, तत्त्वम असि, ये आपका फेमस कोट या मोटो आता है। क्लियर ऑनलाइन, ठीक है,
किनके बारे में? यस हाँ, मैं उसी के ऊपर आ रहा हूं। ठीक, तो ये जो चंडोग्य उपनिषद है ना, इसमें तीन आश्रम बताए गए हैं। ब्रह्मचर्य जो फर्स्ट स्टेज होती है किसी भी वैदिक आर्यन के लाइफ की। ये चार आश्रम किसके लिए लाए गए थे? जो आर्यन मेल है, मेल, क्योंकि लेटर वैदिक या उत्तर वैदिक जो सोसाइटी है वो कहीं ना कहीं फीमेल्स को एज अ सेकेंडरी जेंडर ट्रीट करना उन्होंने शुरू किया था। तो जो भी कहीं ना कहीं लाइफ का कंसेप्ट लाया गया था वो पैट्रियर्कल था, मेल सेंट्रिक था। तो एक जो आर्यन एजुकेटेड मेल होता है वो भी अपर कास्ट, ठीक है, जिसमें या के कौन शूद्रास एंड वैश्यास जो है उनको एक्सक्लूड किया गया था। मतलब ऐसे वैश्यास जो द्विज है, द्विज मतलब ट्वाइस बॉर्न, जिनका सैक्रेड थ्रेड सेरेमनी जिसको हम जनाव कहते हैं वो सेरेमनी अगर हुआ है तो वैसे वैश्यास को फिर आपको आश्रम स्टेज में लाया जाएगा। अगर किसी का जनाव सेरेमनी नहीं हुआ है तो वैसे वैश्यास को लाया नहीं जाता था, शूद्रास को जनाव सेरेमनी अलाउड नहीं था। तो जो अपर कास्ट है ब्राह्मीण एंड क्षत्रिय एंड ऐसे वैश्यास जिनका जनाव सेरेमनी या सैक्रेड थ्रेड सेरेमनी हुआ है उनको ट्वाइस बॉर्न या द्विज कहा जाता था। उनके लिए ये चार स्टेजेस ऑफ द लाइफ लाए गए थे। अगर कोई भी वुमन है वो अपर कास्ट की भी हो यानी ब्राह्मीण हो, उसके लिए ये चार लाइफ के स्टेजेस अलाउड नहीं थे एज पर द लेटर वैदिक टेक्स्ट। फिलहाल हमारा वो स्कोप नहीं है डिस्कशन का। जैसा आपने क्वेश्चन पूछा कि ये जो चार लाइफ के स्टेजेस कौन से आश्रम में मिलते हैं, तो सबसे पहले जो चंडोग्य उपनिषद अभी हमने लिखा या मैंने बताया, उसमें तीन स्टेजेस बताए गए हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ एंड वानप्रस्थ। चौथा संन्यास स्टेज चंडोग्य उपनिषद में नहीं है, ये चीज ध्यान में रखना है, ठीक है, एग्जाम परस्पेक्टिव से वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लियर? हाँ, आई एम कमिंग टू दैट, यू आर करेक्ट, ठीक है। एंड चंडोग्य उपनिषद इज द फर्स्ट वन कि जहां पे लॉर्ड कृष्ण यानी भगवान कृष्ण का रेफरेंस एज अ भगवान आता है, ये भी एक नोट कर सकते हैं। लॉर्ड कृष्ण हैज बीन मेंशन फॉर द फर्स्ट टाइम इन चंडोग्य उपनिषद, ठीक है। एंड फिर जैसा किसी ने सही बताया, जबाला उपनिषद, जबाला उपनिषद, जे ए बी ए एल ए, जबाला। जबाला उत्तर वैदिक काल की एक महिला थी जो कि दुनिया की सबसे पहली फिलोसोफर में मानी जाती है, ठीक है। जबाला एंड मैत्रेयी, गार्गी, ये फेमस फिलोसोफर्स थी। तो जबाला उपनिषद जो है उसमें चारों के चारों आश्रम पहली बार आते हैं। संन्यास आश्रम का मेंशन जबाला उपनिषद में आएगा, तो चंडोग्य और जबाला ये ध्यान में रखना है। और संन्यास आश्रम उत्तर वैदिक काल के सबसे लास्ट में आया था। संन्यास आश्रम बेसिकली केम या एस्थेटिज्म केम एट द एंड ऑफ लेटर वैदिक पीरियड, ठीक है, क्लियर है सबको? इज इट क्लियर ऑनलाइन? यस सर। तो इसका मतलब क्या होता है, क्या कोई इसका मतलब बता सकता है? ये मतलब इन द सेंस इंटरप्रिटेशन, यूपीएससी कैसे क्वेश्चन फ्रेम कर सकती है कोई बता सकता है? एट द एंड ऑफ लेटर वैदिक पीरियड द संन्यास और एस्थेटिक स्टेज इमर्ज। संन्यास आश्रम जो है या सन्यासी किसी को बनना है और सिर्फ मर्द बनेगा, फीमेल्स वर नॉट अलाउड टू बी एस्थेटिक, ये भी पॉइंट नोट कर सकते हो। लेटर वैदिक पीरियड में जब संन्यास आश्रम आया महिलाओं को सन्यासी बनना मना था। जैनिज्म बुद्धिज्म जब आता है पोस्ट वैदिक पीरियड यानी वैदिकोत्तर काल, तब आपको फीमेल एस्थेटिक्स मिलते हैं, क्योंकि जैन टेक्स्ट और बुद्धिस्ट टेक्स्ट फीमेल एस्थेटिक्स के बारे में बताते हैं। बट वैदिक फिलोसॉफी के हिसाब से संन्यास आश्रम मेल्स के लिए था, क्योंकि चारों आश्रम सिर्फ मेल के लिए थे, फीमेल्स का रोल सेकेंडरी था उसमें, संन्यास आश्रम उनके लिए अलाउड नहीं था, ठीक है। इसका मतलब यह है कि संन्यास आश्रम अगर इसमें लास्ट में आया ना लेटर वैदिक पीरियड के यानी वैदिक काल खत्म होने के टाइम में आया ना, इसका मतलब जबाला उपनिषद सबसे लास्ट में जो उपनिषद बने उसमें से एक है, ये लिखिए, ठीक है, थीके? सबसे लास्ट में से उपनिषद जो कंपोज किए गए उसमें से जबाला उपनिषद है, वन ऑफ द लास्ट उपनिषद टू बी कंपोज, ये यूपीएससी पूछेगी आपको।
क्लियर। क्या देखिए, एक चीज होती है कि पूरा दुनिया भी इंडिया को इसी नजर से देखता है कि ये फिलोसफी और स्पिरिचुअलिज्म की लैंड है, और ये जो लोग है कि इनको तो आफ्टर वर्ल्ड की ही पड़ी रहती है, जिस वर्ल्ड में ये लोग रहते हैं उसकी पड़ी नहीं रहती है। ऐसा एक अक्यूजेशन इंडियंस के ऊपर आता था, खास करके कॉलोनियल पीरियड में, अंग्रेजाने के टाइम में, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। चारों आश्रम, जैसा आपने पूछा, संन्यास लास्ट में क्यों आया, क्योंकि कहीं ना कहीं संन्यास का मतलब एस्केपिज्म नहीं है कि जो अपनी इस दुनिया में जो हमारी ड्यूटीज है, और जो यूपीएससी ने एक क्वेश्चन भी पूछा था, धर्म का मतलब क्या है, धर्म का मतलब रिलीजन नहीं है वैदिक पीरियड में, कोई किसी भी वैदिक टेक्स्ट में देखिए धर्म का मतलब होता है ड्यूटी और ऑब्लिगेशन। 2011 का पीवाईक्यू है आपका, धर्म और रुचा, ये दो चीजें पूछी गई थी। तो जो लगता था सारे लोगों को कि इंडियन भगौड़े है, ये रियल वर्ल्ड को फेस नहीं करना चाहते, ठीक है, स्पिरिचुअलिज्म और पेनेंस तपस्या के नाम पे ये अपनी ड्यूटी से भागना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं है। चार आश्रम इसलिए आए, संन्यास लास्ट में इसलिए आया कि किसी भी जो कहीं ना कहीं मेल है पैट्रियार्की, भले ही लेटर वैदिक पीरियड में आई, पर जो लेटर वैदिक पीरियड में जो पैट्रियार्की आई है उसने सारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेल के ऊपर डाली है। हमेशा पैट्रियार्की फीमेल्स के अगेंस्ट है, ऐसा भी नहीं है, ठीक है, पैट्रियार्की में सारा का सारा बर्डन है वो मेल के ऊपर आता है। तो ब्रह्मचर्य में तो आपका एजुकेशन होगा ताकि आप रियल वर्ल्ड को फेस करने के लिए तैयार होंगे, लेकिन जब आप ब्रह्मचर्य आपका 21 साल के उम्र में कंप्लीट होता है, कई कई टेक्स में 25 साल दिया हुआ है, पर नॉर्मली जो आज भी है कि 21 के एज में आज भी हम ग्रेजुएट होते हैं, तो लगभग 8 साल की उम्र में आपका सैक्रेड थ्रेड सेरेमनी होता था, आप डीजे बन जाते थे। और सैक्रेड थ्रेड सेरेमनी क्यों होता था ये भी यूपीएससी पूछेगी आपको, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके बाल को शेव किया जाता था, ठीक है, योर हेयर वॉज शेव, टोन्चर किया जाता था। उसका रीजन ये था कि कहीं ना कहीं जो नया नॉलेज है उसको लेने के लिए, उसको ग्रहण करने के लिए आप रेडी हो रहे हो, आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रही है, इसलिए 8वें साल में आज भी जनाऊ सेरेमनी होता है, और अगर किसी का 8वें साल में नहीं होता है तो शादी के टाइम में किया जाता है। तो ये सारी चीज थी। ऋग्वेदिक पीरियड में तो फीमेल्स का भी जनाऊ सेरेमनी होता था, ये भी आपको एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन, बिकॉज एजुकेशन वॉज अलाउड फॉर द फीमेल्स इन ऋग्वेदिक पीरियड। उत्तर वैदिक काल या लेटर वैदिक पीरियड में फीमेल्स का एजुकेशन बंद किया गया था, इसलिए जनाऊ सेरेमनी फिर फीमेल्स को बंद किया गया, बट ऋग्वेदिक कालखंड में मेल और फीमेल दोनों का जनाऊ सेरेमनी होता था। तो 8वें साल की उम्र से लेकर 21 साल की उम्र आप गुरु के आश्रम में जाते हो, जिसको ब्रह्मचर्य स्टेज कहते हैं, और फिर पूरा एजुकेशन पूरा होने के बाद गुरु दक्षिणा देके बाद में आते, आप फिर से वापस आते हो। गुरु दक्षिणा आपको पता है, महाभारत में एग्जाम्पल्स हमारे पास है। फिर 21 साल के उम्र के लिए से लेके लगभग जो हमारा 60 साल की उम्र है, तब तक आपको शादी करके फैमिली लाइफ मेंटेन करना ही है। आप स्पिरिचुअलिज्म के नाम के भाग नहीं सकते हो, आप मटेरियल वर्ल्ड में रहोगे, आपकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, और सिर्फ फैमिली नहीं है, जो सबका साथ सबका विकास है, सेल्फ इंटरेस्ट एंड पब्लिक इंटरेस्ट, फैमिली के साथ साथ यूर एक्सटेंडेड फैमिली, ठीक है, ज्वाइंट फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली, जिसमें फ्रेंड्स वगैरह भी आते हैं, और फिर जिस सोसाइटी में हो उस समाज के प्रति आपका ऑब्लिगेशन क्या है, ये आपको 21 से लेकर 60 जो 40 साल का आपका समय है लाइफ का, वो पूरा करना है। और उसमें आता है धर्म, अर्थ, काम एंड मोक्ष। और यहां पे धर्म का मतलब है योर ड्यूटी, ऑब्लिगेशन, आपके पेरेंट्स के प्रति आपकी ड्यूटी क्या है, पूरी करो, क्योंकि पैट्रियार्की है ना, पैट्रियार्की में अगर मेल सुप्रीमेसी है तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अभी मेल लेगा। इनफैक्ट शादी होने के बाद वुमन आराम से रहेगी, वो हस्बैंड के ऊपर डिपेंडेंट जरूर दिखाई जाती है, बट कहीं ना कहीं हस्बैंड इज रिस्पॉन्सिबल टू टेक केयर ऑफ हर, अपने बूढ़े पेरेंट्स का ख्याल रखना ये उसका काम है, अपनी वाइफ की सारी जरूरतें। काम का मतलब सिर्फ सेक्स नहीं होता है, काम मतलब सारा मटेरियल प्लेजर, वाइफ को जो लाइफ में चाहिए हर एक स्टेज पे सारी चीजें देना है, अपने बच्चों की रिक्वायरमेंट पूरी करो, ठीक है, उनका एजुकेशन देखो, संस्कार दो उनको, वो आपका धर्म, अर्थ, काम एंड मोक्ष में आता है। और जो आप कहीं ना कहीं काम या सारी जो मटेरियल रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हो आपके फैमिली के, वो अर्थ मतलब पैसा, पैसे के बिना कुछ नहीं होता, ये वैदिक टैक्स भी मानते हैं, ठीक है, पर वो पैसा खून पसीने की कमाई होनी चाहिए, गलत तरीके से नहीं आना चाहिए, ये वहां पे मेंशन किया गया है। और सिर्फ फैमिली नहीं, वाइफ और पेरेंट्स की या चिल्ड्रन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, तो मी एंड माई सेल्फ, ये जो कंसेप्ट आज आ रहा है वो नहीं है, आपके रिलेटिव्स जो है उनके प्रति आपका ऑब्लिगेशन क्या है, आपके डिफिकल्ट समय में आपके दोस्तों ने आपका हेल्प किया होगा उनके प्रति आपका ऑब्लिगेशन क्या है, आप जिस गांव में रहते हो, क्योंकि वैदिक पीरियड में तो अर्बनाइजेशन इतना था नहीं, ओवरऑल विलेजेस थे,
गांव में आसपास जो हमारे गांव के लोग है वो एक एक्सटेंडेड फैमिली है, उनके घर में कुछ प्रॉब्लम आई है, उनको हेल्प करना तो आपकी जरूरत है। जो इंसानियत नाम का कंसेप्ट जो उस समय तो था ही, तो वो यहीं से डेवलप हुआ था, वो सारा आपका क्या है धर्म में आता है। और ये जब सब आप करोगे 40 साल तब आप मोक्ष के लिए इलिजिबल हो। आज आप यूपीएससी का फॉर्म भरते हो तो आप आईएएस बनने के लिए इलिजिबल हो। फिर आप पढ़ाई करके जब सारे स्टेजेस क्लियर करोगे तो आप आईएएस खुद के बल पे बन के दिखाओगे, तो आप मोक्ष के लिए इलिजिबल हो एट द एज ऑफ 60। फिर आपका वानप्रस्थ स्टेज आता है, उसमें क्या है फिर सारा मोह माया जाल छोड़ना है। आपने 40 साल सारे ऑब्लिगेशन पूरे किए, आप मोक्ष के लिए रेडी हो, पर इसका मतलब ये नहीं है कि सारे ऑब्लिगेशन पूरे किए इसलिए आपको मोक्ष मिलेगा। अभी मटेरियल लाइफ हो गया, अभी आपको स्पिरिचुअल लाइफ में आना है। स्पिरिचुअल लाइफ के लिए फिर से एबीसीडी से शुरू करना है, और वो तभी तभी पॉसिबल है जब मटेरियल लाइफ में आप अपने बच्चों की भी शादी वगैरह करवा दो, चाहिए तो पोता पोती का मुंह देख लो। और उसके बाद क्या है एट द एज ऑफ 60 आप और अपनी वाइफ दोनों घर छोड़ देंगे। अगर आपने अपने पेरेंट्स का ख्याल रखा आपके गृहस्थ स्टेज में, ठीक है, तो कहीं ना कहीं अभी आपके बच्चों की जिम्मेदारी है, यानी आपके बेटे की, बेटी की, बेटी तो शादी होकर जाएगी, बेटे की जिम्मेदारी है ना कि आपका ख्याल रखे, और बेटा आपका आपका ख्याल रखने के लिए तैयार भी है क्योंकि आपने वैसे संस्कार उसको दिए। पर अभी आप बेटे के ऊपर डिपेंडेंट मत रहो, आप और अपनी वाइफ सारे ऑब्लिगेशन पूरे किए ना, अगर आपको मोक्ष चाहिए तो वानप्रस्थ में जाओ, सारा मोह माया जाल छोड़ दो। आपका बेटा, आपकी बेटी, ये मेरा पोता, ये मेरी पोती, मोह माया जाल छोड़ दो, सारा मटेरियल लाइफ छोड़ दो, और सिर्फ फॉरेस्ट ड्वेलिंग स्टेज वानप्रस्थ। महाभारत इज द बेस्ट एग्जांपल, ठीक है, धृतराष्ट्र, गांधारी एंड कुंती एंड विदुर अल्टीमेटली जाते हैं फॉरेस्ट में जब पांडव राज करने शुरू कर देते महाभारत वॉर के बाद, एंड फिर वो फॉरेस्ट फायर में जल के राख होते हैं, यानी कुंती, गांधारी एंड आपका ये कौन धृतराष्ट्र, ये बताया गया है। और फिर विदुर संन्यास आश्रम में जाते हैं, अल्टीमेटली जब धृतराष्ट्र, गांधारी और आपके कुंती नहीं रहते, विदुर संन्यास आश्रम में जाते हैं। वानप्रस्थ में आपको करना क्या है, फिर बचपन में जाओ, बचपन में ब्रह्मचर्य में आपने क्या किया, गुरु के आश्रम में गए ना पढ़ने के लिए, अभी वानप्रस्थ में भी वही करना है, बुढ़ापे में गुरु के आश्रम में जाना है, जो गुरु है, सेज है, ऋषि है, उनके आश्रम में जाओ, पढ़ो लिखो। और इसमें वाइफ को भी पढ़ने का अधिकार मिलता था, जिस वुमन को लेटर वैदिक पीरियड में पूरे लाइफ पढ़ने का अधिकार नहीं था, उसको वानप्रस्थ या उसके बुढ़ापे के स्टेज में, ये वेदास, रामायण, महाभारत जो भी है, रामायण महाभारत वगैरह बाद में सब लिखे गए बट कंपोज तो किए गए थे ना, वो सुनने का अधिकार मिला था, बाय लर्निंग शी कैन गेट एजुकेटेड या नॉलेज, ये सारा हुआ था। और फिर वानप्रस्थ में क्या है कि अल्टीमेटली बाय चांस अगर आपकी वाइफ की डेथ होती है उस गुरु के आश्रम में, आप गुरु के आश्रम में रहोगे और पिलग्रिमेज वगैरह पे जाओगे, तीर्थ यात्रा पे वगैरह जाओगे, जो हम आज भी कर रहे हैं, चार धाम ये वो सब कुछ चलता है, उसमें अगर आपकी वाइफ की डेथ होती है तो फिर आप संन्यास लोगे, ठीक है। या अगर बाय चांस मान लीजिए आपकी डेथ होती है तो आपकी वाइफ तो गुरु के आश्रम में ही रहेगी, ये भी भंडार में रखना है, ठीक है। आपकी अगर वाइफ की डेथ होती है तो सॉरी आपकी डेथ होती है तो आपकी वाइफ गुरु के आश्रम में ही रहेगी, ये चीज ध्यान में रखनी है। और अगर कहीं ना कहीं बेसिकली वाइफ है तो वाइफ जिंदा है तो भी उसका मोह माया जाल उसका भी छोड़ो। आपने अपने बच्चों का छोड़ दिया, आपने आपके पोता पोती को छोड़ दिया ना, सारे दुनिया को छोड़ रहे हो, तो अभी वाइफ जो आपकी अर्धांगिनी आपके लाइफ में हमेशा आपके सुख दुख में थी, उसका भी मोह माया जाल छोड़ दो, तभी आपको मोक्ष मिलेगा। तो वाइफ गुरु के आश्रम में रहेगी अगर जिंदा है वो तो, और आप चले जाओ संन्यास आश्रम में, क्योंकि फीमेल्स को संन्यास आश्रम अलाउड नहीं है। और अलाउड क्यों नहीं है, संन्यास आश्रम में वही करना है जो ओरिजिनली जैनिज्म बोलता है, दिगंबर जैनिज्म जो बोलता है ना वो ओरिजिनली उपनिषद ने बोला है, संन्यास आश्रम में आपको डीप फॉरेस्ट में जाना है, कपड़े भी छोड़ने हैं, खाना पीना भी छोड़ना है, वाइल्ड एनिमल्स ने आपको अपना भोजन बनाया चलेगा, आप खाना पीना धीरे धीरे छोड़ दो, ठीक है, तपस्या में लीन हो जाओ। विदुर ने वही किया था और फिर उनकी डेथ हुई थी ऐसा बोला गया है, तो फीमेल्स के लिए वो पॉसिबल नहीं होगा इसलिए फीमेल्स को अलाउड नहीं था, ऐसा इंटरप्रिटेशन हमको दिया है, ठीक है। तो ये सारी चीजें, तो मटेरियलिज्म से आप भाग नहीं रहे हो, आप कहीं ना कहीं मटेरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करके फिर आपका अल्टीमेट गोल क्या है, जैसे आईएएस हमारा निर्माण है, ठीक है, आपको आईआरएस मिल गया, आईपीएस मिल गया, फिर आप आईएएस के लिए ट्राई करोगे, तो वैसे ही अल्टीमेट गोल क्या है, मोक्ष है, फाइनल लिबरेशन फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। बार बार जो साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ आता है उससे फाइनल लिबरेशन अचीव करना या जो सॉल्वेशन अचीव करना वो क्या है, संन्यास है। और इसीलिए वो संन्यास लास्ट में आता है, आपकी सारी इस दुनिया की ड्यूटी पूरी करो मटेरियल वर्ल्ड की, फिर आप आपके स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाओ। आज हमने जिन्होंने क्वेश्चन पूछा था,
यस हस्बैंड, क्योंकि ये पूरा मेल सेंट्रिक राइटिंग दिखा है ना, अभी असल में वैसा था कि नहीं हमें पता नहीं है, जिस हिसाब से लिखा गया उसी हिसाब से दिखाया गया है कि वाइफ अगर जिंदा है तो भी वो गुरु के आश्रम में ही रहेगी, और वाइफ अगर डेथ होती है तो ऑब्वियसली हस्बैंड जाएगा ही जाएगा, लेकिन वाइफ जिंदा है तो भी उसको वाइफ का जो मोहमाया जाल है वो छोड़ना है, क्योंकि उसका कई अल्टीमेट गोल क्या है, मोक्ष है। और फिर यही से यह सारी शुरुआत होगी कि जो छह स्कूल्स आ गई फिलोसॉफी की उसके बारे में। ठीक है, अभी एक वन बाय वन देखते हैं क्या क्या है। हाँ हाँ, क्योंकि उस समय भी क्या है कि उनको लिखने का या पढ़ने का अधिकार नहीं था। गुरु के आश्रम में जैसे होता है ना, सत्संग में बैठे आप तो सत्संग में सारी चीजें आप सुनते हो, जो स्टोरीज वगैरह रहती है उसके थ्रू उनको नॉलेज मिलेगा, ये चीज थी। ठीक है, एक्चुअल एक्चुअल एजुकेशन का राइट्स नहीं थे उनको। हाँ यस दैट इज करेक्ट, या दैट इज करेक्ट, बिकॉज थ्रू आउट द लेटर विदिक पीरियड यू डोंट गेट अ डायरेक्ट राइट्स ऑफ एजुकेशन, यू गेट इनडायरेक्ट एजुकेशन इन ए वानप्रस्थ स्टेज, सिंपल। ठीक है, अभी आते हैं सांख्य फिलोसॉफी के ऊपर वन बाय वन, जिनका फिलोसॉफी ऑप्शनल होगा उनके लिए बहुत बेसिक चीज होगी, बाकी थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा रिवाइज करना पड़ेगा आपको सब लोगों को। ठीक है, पहले मैं लिख लेता हूं फिर हम डिस्कस करेंगे उसको। एक बार उनको बुलाएंगे, वॉच कर। तो सांख्य फिलोसफी जो है, जिसके बारे में 2013 में अभी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा और जो हमने देखा, उसकी शुरुआत कब होती है, 8th सेंचुरी बीसी से लेके 6th सेंचुरी बीसी, इस 200 साल का जो एरा है, मतलब लेटर वैदिक पीरियड का जो सेकंड हाफ है, उसमें सांख्य फिलोसफी को पुट किया गया है। ये ओल्डेस्ट फिलोसफी है, जो 6 स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी में सबसे ओल्डेस्ट सांख्य है, यह एग्जाम परस्पेक्टिव से ध्यान में रखना है। और उसके प्रोपाउंडर, उसके जनक कौन है, सेज कपिल, सेज कपिल इज नोन एज अ प्रोपाउंडर एज वेल एज फाउंडर ऑफ द सांख्य फिलोसॉफी। ठीक है, एंड इट इज अ ओल्डेस्ट सर्वाइविंग स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसॉफी विच स्टार्टेड समवेयर फ्रॉम 800 BC एंड बाय 6th century BC जब गौतम बुद्ध वगैरह आए थे, महावीर का एरा, तब ये स्कूल वेल एस्टेब्लिश हो चुकी थी। क्लियर है पहला एस्पेक्ट। दूसरा ध्यान में रखना है, सांख्य उसके फाइनल जो फॉर्म है जो आज हमें दिखता है, तो वो स्कूल ऑफ ड्यूअलिज्म मानी जाती है। उसमें दो चीजों के ऊपर डिस्कशन होता है, एक होता है पुरुष और एक होता है प्रकृति। बट जब सांख्य की शुरुआत हुई थी तो वो मोनोइज्म थी। ठीक, जैसे ऋग वेदा मोनोथेइज्म में विश्वास करता है कि सुप्रीम क्रिएटर यानी भगवान है लेकिन वो एक ही है। हिंदुइज्म में जो 33 करोड़ गॉड्स एंड गॉडेस का कंसेप्ट है वो बात की बात है। ओरिजिनली हिंदुइज्म जहां से शुरू हुआ ऋग्वेद से, वहां पे भी एक ही भगवान की बात की गई है, और वो जो भगवान है वो पुरुष था, पुरुष। इसलिए हम देखते ना पुरुष सुक्त हाइम, जहां से वर्णा सिस्टम की शुरुआत होती है ना, वो पुरुष सुक्त हाइम मतलब सुप्रीम क्रिएटर, मेल क्रिएटर। ठीक है, ये माना गया है। तो शुरुआत जब हुआ था सांख्य का, वो पुरुष था कंसेप्ट, एक ही कंसेप्ट था, इसलिए उसको मोनोइज्म कहते हैं। बाद में जाके उसमें प्रकृति नाम का एक कंसेप्ट लाया गया था। ठीक,
तो पुरुष और प्रकृति ये जो दो दो एस्पेक्ट आ गए, तो उसको हम क्या कहेंगे, ड्यूअलिज्म कहेंगे। शुरुआत मोनोलिज्म से होती है, फिर बहुत ड्यूअलिस्टिक स्कूल बन गई है, ये पॉइंट ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट जो आपको नोट करना है, जैनिज्म इज ऑल्सो बेस्ड ऑन सांख्य फिलोसॉफी, ये पॉइंट नोट कर सकते हैं। जैनिज्म की जो फिलोसॉफी है उसमें भी सांख्य फिलोसॉफी का रिफ्लेक्शन आपको दिखता है, यह भी बहुत ही क्रूशियल एस्पेक्ट है सांख्य के बारे में, ठीक है। और फिर हमें क्या दिखेगा, सांख्य की जब शुरुआत हुई, जब सिर्फ पुरुष का कंसेप्ट है, तो पुरुष इज अ मेल स्पिरिट। पुरुष क्या है, एक वो सुप्रीम आइडेंटिटी है, वो एक मेल स्पिरिट माना गया है, यानी यानी क्या है, कहीं ना कहीं मैस्कुलिन जो स्पिरिट है वो माना गया है, ठीक है। और जो पुरुष है उसमें एक चीज नोट करनी है, इट हैज बीन मेंशन इन सांख्य कि देर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पुरुष। पुरुष जो है एज अ कंसेप्ट वो इनफाइनाइट नंबर है, यानी फिजिक्स को फिलोसॉफी के थ्रू इंटरप्रेट किया जा रहा है, जैसे एटम्स इनफाइनाइट होते हैं वैसे पुरुष इनफाइनाइट है ऐसा बोला गया है। और जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पुरुष है उसमें कहीं ना कहीं आपको क्या दिखता है कि वहां से यूनिवर्स का क्रिएशन शुरू होता है, वहां से यूनिवर्स का क्रिएशन शुरू होता है, ठीक है। और ये जो पुरुष है वो इनफाइनाइट तो है ही, बट वो ओमनी प्रेजेंट है, सब जगह में आपके मिलते हैं, यानी जैसे हम बोलते हैं परमेश्वर चराचर में बसा हुआ है, ओमनी प्रेजेंट, प्रेजेंट एवरीवेयर। पुरुष इज ओमनीपोटेंट, ऑल पावरफुल, पुरुष क्या है, ऑल पावरफुल है। एंड पुरुष इज ओमनीसिएंट, ओमनीसिएंट मींस ऑल नॉलेजेबल, पुरुष क्या है, प्रेजेंट एवरीवेयर है, ओमनी प्रेजेंट, मैं वो टर्म्स लिखता हूं, ये सारा नोट हुआ है जो अभी है स्क्रीन पे। सो पुरुष इज बेसिकली ओमनी प्रेजेंट, ठीक है, ओमनी प्रेजेंट भी है, प्रेजेंट एवरीवेयर, ओमनीसिएंट, ऑल नॉलेजेबल, सारा नॉलेज है पुरुष के पास, एंड ओमनीपोटेंट, ऑल पावरफुल, ठीक है। एंड पुरुष इज अ सेल्फ आइडेंटिटी, पॉइंट क्या नोट करना है, पुरुष एक सेल्फ आइडेंटिटी है, वो सोल और माइंड उसका कॉम्बिनेशन है, पुरुष इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द सोल एंड माइंड, ठीक है, ये भी पॉइंट ध्यान में रखिए, पुरुष इज अ सेल्फ आइडेंटिटी, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ द सोल एंड माइंड। ओके, एंड जब तक पुरुष का कंसेप्ट था, सांख्य वॉज मोर ऑफ अ स्पिरिचुअल वन, सांख्य ज्यादा स्पिरिचुअल थी, उसके मटेरियलिस्टिक एस्पेक्ट्स कम थे, उसके मटेरियलिज्म के जो एस्पेक्ट्स है वो कम थे। लेकिन सांख्य में फिर एक बात की गई है कि पुरुष सारे हर जगह पे प्रेजेंट हो सकता है, वो ऑल नॉलेजेबल है, वो मतलब ऑल पावरफुल है, ठीक है, फिर भी फेमिनाइन स्पिरिट के बिना वो इनकम्प्लीट है। जैसे मेल इज इनकम्प्लीट विदाउट अ वुमन, जो हम बोलते हैं आज भी कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन, कल वुमन्स डे था, तो वो यही से आता है कि प्रकृति के बिना बेसिकली पुरुष अधूरा है। एंड इसीलिए फिर प्रकृति ये कंसेप्ट लाया गया। एंड व्हाट इज प्रकृति, प्रकृति जैसे हम बोलते ना, प्रकृति मीन्स नेचर, प्रकृति मीन्स नेचर, इसकी प्रकृति क्या है, एक तो प्रकृति मतलब हेल्थ भी होता है, या प्रकृति मतलब स्वभाव होता है, इसका कैरेक्टर या नेचर कैसा है, उसकी प्रकृति कैसी है। तो प्रकृति का मतलब होता है एक तो फेमिनाइन स्पिरिट, एंड यहां पे प्रकृति का मतलब है क्रिएटिव एनर्जी एंड मैटर, ये लिखिए, प्रकृति इज ऑल अबाउट एनर्जी एंड फोर्स ऑफ अ यूनिवर्स, प्रकृति इज ऑल अबाउट मैटर, ठीक है। तो अभी वो मटेरियलिज्म की तरफ आएगा, जब प्रकृति आएगा तो सांख्य धीरे धीरे मटेरियलिज्म की तरफ आ गई। एज हमें प्रकृति इज अबाउट द एनर्जी मैटर एंड द फोर्स ऑफ यूनिवर्स, ठीक है। एंड फिर यह बताया गया है कि पुरुष और प्रकृति का जब मिलन हो जाता है, व्हेन पुरुष एंड प्रकृति यूनाइट, यूनिवर्स इज क्रिएटेड। तो प्रकृति इज लाइक आदिशक्ति, जो इंडस वैली में मदर गॉडेस है ना, वैसा ही है वो आदिशक्ति।
तो जब पुरुष एंड प्रकृति एक साथ हो जाते, प्रकृति के बिना कहीं ना कहीं क्रिएशन हो नहीं सकता है, मटेरियल लाइफ की शुरुआत कहीं ना कहीं प्रकृति के बिना हो ही नहीं सकती है, ऐसा बताया गया है। सो प्रकृति इज लाइक अ इंटीग्रल पार्ट, जैसे आज बोलते जम्मू एंड कश्मीर, पीओके इज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंडिया एंड जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। तो वैसे ही बेसिकली प्रकृति क्या है, इंटीग्रल पार्ट है, पुरुष उसके बिना अधूरा है, और प्रकृति और पुरुष उनका जब यूनियन होता है तब यूनिवर्स का क्रिएशन होता है, ये पॉइंट ध्यान में रखता है। एंड जैसा इस क्वेश्चन में पूछा है, सांख्य के मुताबिक क्या है कि भले ही वो मटेरियलिज्म में आ गई प्रकृति की तरफ से, वजह से पहले वो एकदम स्पिरिचुअल थी, अभी वो मटेरियलिज्म में आ गई है, तो मटेरियल लाइफ में आने के बावजूद वो मटेरियल एग्जिस्टेंस को मानेगी, बट भी उसका गोल क्या रहेगा, स्पिरिचुअल रहेगा, आपका सेल्वेशन, आपका लिबरेशन ही आपका गोल होना चाहिए, एंड सेल्फ नॉलेज से आपका सेल्वेशन होगा, ये सांख्य कहता है। उसको किसी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस या एजेंट की जरूरत नहीं है, जो तत्वम असी है, खुद को जानो, खुद की आइडेंटिटी, मतलब सांख्य यह कहता है कि आपको किसी गुरु की वगैरह या मेंटर की जरूरत नहीं है, आप आईएएस बन सकते हो सेल्फ स्टडी करके, वैसा सांख्य बोलता है। तो ओनली थ्रू सेल्फ नॉलेज, सेल्फ रियलाइजेशन, यू कैन अटेन अ सेल्वेशन, ये सांख्य ने कहा है, ये पॉइंट ध्यान में रखना है, ठीक है। किसी भी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस की आपको जरूरत नहीं है, ओके। लेकिन सांख्य क्या है, सोल में विश्वास करती है ना, क्योंकि पुरुष एक सोल का रिफ्लेक्शन है, तो जाहिर से बात है फिर मटेरियलिज्म में जब आते हो, अब ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दोनों स्टेटमेंट के बीच का संबंध देखिए, सॉल्व कैसे करना है। अभी तो एलिमिनेशन मेथड तो यूपीएससी ने एलिमिनेट की है, बात अलग है, पर जब ये क्वेश्चन पूछा था, अगर ज्यादा पता भी नहीं है तो भी आंसर की तरफ आ सकते हो। अगर सांख्य बोलता है कि आपको सेल्फ नॉलेज चाहिए, किस लिए, लिबरेशन के लिए, तो लिबरेशन के लिए अगर आपको सेल्फ नॉलेज चाहिए, इसका मतलब आपका सोल कहीं ना कहीं फंसा हुआ है, बर्थ डेथ एंड रिबर्थ, ये सांख्या मानेगी ना। और यहां पे क्या लिखा है, सांख्या डजंट बिलीव इन थ्योरी ऑफ रिबर्थ एंड ट्रांसमिग्रेशन ऑफ सोल, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग होना चाहिए। तो दोनों स्टेटमेंट के बीच का अगर संबंध भी पढ़ोगे ना, तो भी आइए लगेगा कि दोनों एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्टरी है, तो इसमें से कोई ना कोई एक रॉन्ग होना चाहिए, इसमें से कोई ना कोई एक रॉन्ग होना चाहिए। तो सांख्या डेफिनेटली होल्ड्स की सेल्फ नॉलेज की वजह से, सेल्फ रियलाइजेशन की वजह से आपको लिबरेशन सेल्वेशन जरूर मिलेगा, और जरूर मिलेगा मतलब कहीं ना कहीं आप साइकिल ऑफ बर्थ डेथ एंड रिबर्थ में फंसे हो, इसलिए तो आप लिबरेशन के लिए ट्राई कर रहे हो ना, या फोकस कर रहे हो। तो सांख्या कहीं ना कहीं थ्योरी ऑफ रिबर्थ में बिलीव करती है, वो ट्रांस माइग्रेशन ऑफ द सोल में भी बिलीव करेगी, ये पॉइंट ध्यान में रखना है। क्लियर है पूरा सांख्या फिलोसॉफी के बारे में कैसे है? तो ये सारा हाँ पूछिए। हाँ नहीं, गॉड इन द सेंस मतलब वो ओनली रियलिटी है जो बाद में गॉड के रूप में हम देखते हैं बाद में, इसलिए उसको आस्तिक बाद में कहती है डेफिनेटली। अरे जैसे बाद में अभी और एक फिलोसफी आएगी वैशेषिक, वैशेषिक का फिलोसफी जो दुनिया में फिजिक्स का ओरिजिन माना जाता है, तो जो पुरुष है वो एक अटोम की तरह है, और जैसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्स होते हैं, जैनिज्म भी बोलता है देर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्स इन द वर्ल्ड, वैसे ही यहां पे भी जो पुरुष है वो एक अटोम की तरह है जिसको सोल कहा गया है, ये इनफाइनाइट है नंबर्स में, मतलब एक जो सेल्फ आइडेंटिटी है, पुरुष एक सेल्फ आइडेंटिटी है, उसकी मल्टीपल आइडेंटिटीज जो इनफाइनाइट लेवल पे जा सकती है वैसे एग्जिस्ट होती है, इसलिए वो ओमनीप्रेजेंट है, ये पॉइंट ध्यान में रखना है। उसका ही अपना रिफ्लेक्शन, ठीक है, उसका ही कहीं ना कहीं अपना रिफ्लेक्शन है जो आपको मिलेगा, ये यहां पे कहा गया है। बिल्कुल है, पुरुष एक यूनिट की तरह है, और वो मतलब माइन्यूट लेवल पे हम जिसको लेके आ सकते हैं उस टाइप का यूनिट है, जिसे कोई भी एक मैटर या सब्सटेंस है उसको हम एटॉमिक लेवल पे लेके आ सकते हैं ना, उसको रिड्यूस करके डिवाइड करके, वैसे ही वो पुरुष है, जो रूट है, रूट ओरिजिन का वो पुरुष है, और उसकी बहुत सारी शाखाएं हो सकती है फिर, ठीक, एक ट्री की तरह वो हो जाएगा, उसकी शाखाएं बहुत जाएगी और वो इनफाइनाइट नंबर पे जाएगा, ये माना गया है उस पर। क्लियर है? तो ये आता है आपका क्या है, सांख्य फिलोसफी जो कपिल मुनि की आती है, और इनका टेक्स्ट क्या है, सांख्य सूत्र, सांख्य सूत्र ये उनका वर्क है जिसमें यह सारी फिलोसफी मिलती है, एट अ वेरी बेसिक लेवल जो हमें चाहिए वो हमने ले ली, फिलोसफी ऑप्शनल में और डिटेल में आएगी आपको, ठीक, बात अलग है।
अभी आना है सेकंड वन, सांख्य के बाद कौन आएगा आपका? योग। तो योग सांख्यण योग, सांख्यण योग ये भी क्लोज है एक दूसरे से, ठीक है। इनफैक्ट सांख्य में जो बोला गया है ड्यूअलिज्म पुरुष और प्रकृति, तो कहीं ना कहीं योग बोलेगा कि योग इज लाइक अ मीडियम थ्रू विच अल्टीमेटली आप पुरुष और प्रकृति के बीच के गैप कम करोगे, और पुरुष और प्रकृति यूनाइट हो जाएंगे तो ऐसे यूनाइट होना है कि पुरुष और प्रकृति को आप फिर से अलग नहीं कर सकते हो, उस हिसाब से योग देखता है। और एक बार कहीं ना कहीं दोनों यूनाइट हो गए तो फिर योग के थ्रू आप अपना सालवेशन ला सकते हो। यहां पे हर एक का फोकस अभी वही है, सालवेशन मोक्ष। हाँ जी, खासकर पीछे मुड़ता हूं तो देखिए, और वो बहुत बढ़ रहा है एकदम। बहुत ज्यादा नीचे नहीं है, ओके आप ठीक है सर। अभी वो आवाज क्लियर हो रही है? आई ऑडिबल क्लियरली दोस्त वो ऑनलाइन? ओके। सो योग में आना है तो योग इज लाइक अ मींस, योग इज लाइक अ मीडियम, योग इज लाइक अ चैनल, एक माध्यम है जिससे आप सालवेशन अचीव कर सकते हो। तो योग का भी फोकस सालवेशन अचीव करना है, मोक्ष अचीव करना ही है, और वो एक आपको पाथ या रास्ता दिखाएगा। तो योग एज ए फिलोसफी उसको लाया था सेज पतंजलि। सेज पतंजलि जो सेकंड सेंचुरी बीसी में थे, पुष्यमित्र शुंग, शुंग एम्पायर के फाउंडर, जिन्होंने मौर्य एम्पायर के लास्ट एम्परर बृहद्रथ मौर्य को मार के मौर्य एम्पायर को खत्म किया था 184-185 बीसी में। और फिर पुष्यमित्र शुंग शुंग एम्पायर के फाउंडर बने थे। शुंग एम्पायर के फाउंडर बनने के बाद पुष्यमित्र शुंग ने ग्रीक्स को दो बार हराया था, और ग्रीक्स को दो बार हराने के बाद फिर पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध सेक्रीफाइस किया था। तो उनके कोर्ट में पतंजलि वॉज अ वेरी फेमस वैदिक सेज, क्योंकि मौर्यन टाइम्स में हमने देखा चंद्रगुप्त मौर्य जैनिज्म की तरफ चले गए थे, बिंदुसार अजीवक या आजीवक फिलोसफी उसके फॉलोअर बन गए थे, और अशोका बुद्धिज्म की तरफ चले गए थे। अशोका के बाद जितने भी मौर्य एम्परर्स आए थे वो भी सारे बुद्धिज्म को ही फॉलो करते थे। तो वैदिक रिलीजन 600 बीसी से लेके लगभग 200 बीसी, ये 400 साल गायब था, एग्जिस्टिंग था, बट वैदिक रिलीजन को राजा शरण या पैट्रोनेज मिल नहीं रहा था। पुष्यमित्र शुंग वैदिक रिलीजन के चैंपियन माने जाते हैं, वैदिक सोसाइटी को फिर से सुप्रीम बनाने में पुष्यमित्र शुंग का रोल है ऐसा माना जाता है। इसलिए पतंजलि आपको दिखेगा एज ए हिस्टोरिकल फिगर, वो पुष्यमित्र शुंग के कोर्ट में मिलते हैं, उनके समकालीन है, और यूपीएससी को वो आदत तो है ही, कोई रूलर और फिलोसोफर कौन किसका समकालीन है ये तो बार बार पूछते रहते ही है। तो वो जो पतंजलि है उन्होंने दो फेमस वर्क्स लिखे हैं, मैंने आर्ट एंड कल्चर सीरीज में भी डिस्कस किया है, अभी फिर से बता देता हूं। एक तो योगा के बारे में उनका वर्क आएगा योग सूत्र, जिसको हम योग शास्त्र भी कहते हैं, क्योंकि योगा को उन्होंने साइंस के दौर पर एस्टेब्लिश किया, योगा इटसेल्फ इज अ साइंस, ये उन्होंने प्रूव किया। तो योग सूत्र और योग शास्त्र ये उनका पहला वर्क है। जाहिर सी बात है पतंजलि संस्कृत वैदिक से है तो संस्कृत लैंग्वेज में ही होगा, ठीक है। और दूसरा उनका वर्क मैंने बताया था महाभाष्य, जो कि संस्कृत वर्क ही है, लेकिन पाणिनि का जो ग्रामर था अष्टाध्यायी उसके ऊपर वो कमेंट्री है महाभाष्य पतंजलि की। तो ऐसे वो दो उनके वर्क है, ये सारा आर्ट एंड कल्चर में डेफिनेटली आएगा आपको। अभी फिलहाल हमारा फोकस कहाँ पे रहेगा? योग सूत्र या योग शास्त्र, और बेसिक लेवल पे योगा एज अ फिलोसफी। तो योगा एज अ फिलोसफी में पतंजलि क्या कहते हैं? हाँ, इसमें एक चीज मैं बताता हूँ। योगा में जो है, योगा तीन चीज में बिलीव करती है, ठीक है। योगा जो है वो आपकी किस में बिलीव करेगी? तीन चीजों में बिलीव करेगी, सॉरी तीन नहीं, सांख्य जो है तीन चीज में बिलीव करती है, नॉट योगा। सांख्य जो है, सांख्य एंड योगा दे आर क्लोज। पहला आता है आपका परसेप्शन, ठीक। परसेप्शन का मतलब है प्रत्यक्ष, डायरेक्ट, जो आप परसीव करते हो फाइव सेंसेस के थ्रू, जो आप परसीव करते हो, फील करते हो,
टच टच या सेंस, बाकी सेंस होते हैं या एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, वो परसेप्शन होता है। दूसरा आता है आपका शब्द, शब्द मीन्स आपका वर्बल टेस्टिमनी, ठीक है, और हियरिंग, ये दूसरा एस्पेक्ट है सांख्य में, ठीक है। और फिर सांख्य में तीसरा और एक जो एस्पेक्ट आता है उसको हम कहते हैं इन्फेरेंस, ठीक, इन्फेरेंस मतलब क्या है, अनुमान, ठीक है, ये पॉइंट ध्यान में रखना है। तो सांख्य क्या है, तीन चीजों में विश्वास करती है कि परसेप्शन मतलब प्रत्यक्ष, देन वर्बल टेस्टिमनी या हियरिंग मतलब शब्द, एंड इन्फेरेंस यानी अनुमान। जैसे हमने बोला कि सांख्य क्या बोलता है, सेल्फ नॉलेज जो है, सेल्फ रियलाइजेशन, रियलाइजेशन जो है उससे आपको सल्वेशन मिलेगा। तो जो ट्रू नॉलेज है या सेल्फ नॉलेज है वो कहां से आता है सांख्य के हिसाब से, तो सांख्य साइंटिफिक एस्पेक्ट भी दिखाती है कि आप जो चीज खुद परसीव करोगे, जिसको आप रियल बोल सकते हो यूर फाइव सेंसेस के थ्रू, वो रियल चीज है। हाइपोथेटिकल चीजों में सांख्य जाता नहीं है। शब्द सुनते हो और फिर वर्बल टेस्टिमनी, शब्द मीन्स आप स्पीच जो होता है उसके हिसाब से भी सांख्य बिलीव करता है या चीजों में विश्वास करता है वैसी चीजों में, और कुछ एक इन्फेरेंस या कॉन्क्लूजन निकाल सकते हो आप, ठीक है, और उसको बोलते हैं इन्फेरेंस या अनुमान। कि लाइक अगर मान लीजिए कि कहीं ना कहीं आपका स्मोक दिख रहा है या धुआं, तो फायर हो सकती है, फायर है ऐसा नहीं है लेकिन फायर हो सकती है, फायर होने का चांस है, एक आपने कॉन्क्लूजन निकाला, तो वो होता है इन्फेरेंस या अनुमान। ये तीन चीजों में सांख्य विश्वास करती है, ठीक है। अभी योगा जो है, योगा सांख्य कहीं ना कहीं फिर पुरुषण प्रकृति की वजह से जब मटेरियलिज्म में आई तो वो ये आउटर चीजों की बात कर रही है, ये आउटर चीजों की बात कर रही है, फिजिकल वर्ल्ड की बात कर रही है, फिजिकल इंटरेक्शन की बात कर रही है। योगा इनर प्योरिटी की बात कर रही है। सांख्य एंड योगा आर लाइक अ टू साइड्स ऑफ अ सेम कॉइन। योगा आपकी इनर प्योरिटी की बात करेगी, वह आउटर की भी बात करेगा लेकिन ज्यादा उसका फोकस इनर के ऊपर होगा, ठीक है। ये क्लियर हो रहा है योगा के मामले में क्या है, सांख्य और योगा में डिफरेंस क्या है बेसिक। सांख्य जो है शुरुआत उसकी स्पिरिचुअल हुई, उसका अल्टीमेट गोल भी लिबरेशन या सल्वेशन है, बट प्रकृति आने के बाद वो क्या हो गई, मटेरियलिस्टिक हो गई ना, तो फिजिकल वर्ल्ड, फिजिकल इंटरेक्शन आएगा एज ए ह्यूमन, हमारा जो सराउंडिंग से उसके साथ इंटरेक्शन आएगा, चाहे वो इकोसिस्टम हो, बायोडाइवर्सिटी हो, टोपोग्राफी हो, क्लाइमेट हो, वेदर हो, और एज ए ह्यूमन, दो ह्यूमन्स के बीच में इंटरेक्शन आएगा। तो ये फिजिकल जो इंटरेक्शन आए तो उसमें सांख्य क्या बोलता है, चीजें सही, मतलब चीजें सही है या नहीं है, या चीजें असल में है या नहीं है, वो आप बस ब्लाइंड फेथ के हिसाब से मत देखो। सारे जो आपके सेंसेस है, पांच सेंसेस जिसको पंचेंद्रिय कहा जाता है, उसके थ्रू जो आप परसीव करोगे, खुद फील करोगे और फील के साथ साथ एक्सपेरिमेंट करोगे, सिर्फ ऐसा नहीं कि फील किया इसलिए वो चीज होनी चाहिए, तो या अजूम किया तो होनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं आपको कहीं ना कहीं एक्चुअल इंटरेक्शन आएगा, एक्सपेरिमेंट होगा, तो वो परसेप्शन होता है, इसमें सांख्य बिलीव करता है, तब आपको नॉलेज मिल सकता है, तब आपको क्या है नॉलेज मिल सकता है, और फिर उस नॉलेज को यूज करके आप सल्वेशन पा सकते हो, ऐसा सांख्य बोलेगा। और उसमें फिर वही आता है कि कहीं ना कहीं कुछ चीजें आप शब्द, तो नॉलेज आप ज्ञान कैसे लेते हो, मैं बोल रहा हूं आप सुन रहे हो, मेरे मुंह से शब्द निकल रहे हैं, तो वो शब्द है यानी वर्बल टेस्टिमनी है कि कहीं ना कहीं किसी ने बताया, आपने कुछ कुछ सुना और फिर जाके आपका नॉलेज आ गया। वो नॉलेज सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, लेकिन आपका नॉलेज तो आ गया, आप बाद में डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि सही कहा गया है या गलत कहा गया, तो सांख्य उसमें विश्वास करता है। और फिर अल्टीमेटली वो सही कहा गया क्या नहीं कहा गया, इसका अनुमान आप खुद निकाल सकते हो, क्योंकि वो लॉजिकल रीजनिंग की कैपेसिटी है, वो आपको दी गई है। तो ये सांख्य इन तीन चीजों में विश्वास करता है, और उसी हिसाब से आप अपना नॉलेज डेवलप कर सकते हो। अभी योगा क्या है, योगा ये सारी आउटर एस्पेक्ट है ह्यूमन लाइफ का, ये आउटर एस्पेक्ट है, ये डे टू डे लाइफ के एस्पेक्ट है। अभी योगा आपको अलग एक दूसरे लेवल पे लेके जाएगा। योगा क्या बोलेगा कि आपका फोकस क्या है, सल्वेशन है। सांख्य बोल रहा है आपका नॉलेज के थ्रू सल्वेशन मिलेगा, पर योगा बोलता है कि नॉलेज से भी ज्यादा एक बेहतर तरीका क्या है, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ डिसिप्लिन।
एंड सेल्फ जो रियलाइजेशन है, जो सांख्य भी बोलता है, वो कहीं ना कहीं आपको मेडिटेशन के थ्रू आएगा. आपके बॉडी का कंट्रोल, आपके सेंसेस के ऊपर कंट्रोल, आपके ऑर्गन्स के ऊपर कंट्रोल और आपके माइंड के ऊपर कंट्रोल. ठीक है, यूर इनर एज वेल एज आउटर आइडेंटिटी. बॉडी एज अ फ्लेश एंड ब्लड, ये आपकी आउटर आइडेंटिटी है, और ये जो आपका इनर कॉन्शियसनेस है, चेतना, जिसमें सोल भी आ रहा है आपका, वो सोल भी है और एक जो इनर आपका एग्जिस्टेंस है जिसमें माइंड भी आ रहा है, इन सबके ऊपर कंट्रोल, उसका सेल्फ डिसिप्लिन, एंड कहीं ना कहीं जो सारे ऑर्गन से सेंसेस है उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं एक विजय पाना या उसको रेगुलेट करना, उसके बाद आपको क्या मिलेगा, सल्वेशन मिल सकता है. मतलब थोड़ा सा वो सांख्य को कॉन्ट्राडिक्ट भी करता है. सांख्य क्या बोल रहा है, सेल्फ नॉलेज से आपको या सेल्फ रियलाइजेशन से आपको सल्वेशन मिलेगा, पर योगा कहता है सिर्फ नॉलेज आके या खुद को मैंने रियलाइज किया कि मेरे मुझमें आईएएस बनने का पोटेंशियल है, लेकिन उसके प्रति मैंने ठीक से प्रयास नहीं किए, ठीक, या जो सेल्फ डिसिप्लिन है प्रिपरेशन के दौरान वो नहीं ला पाया मैं, तो अनफॉर्चुनेटली भी शायद बन ना पाऊं. तो थोड़ा सा सांख्य और योगा थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्ट भी करते कि सिर्फ सेल्फ नॉलेज आने से आपको सल्वेशन मिल सकता है, ऐसा नहीं है, उसके लिए प्रयास करने पड़ते. एज अ ह्यूमन बींग आपकी आउटर जो फिजिकल आइडेंटिटी है और साथ साथ जो आपका इनर जो कॉन्शियसनेस है या माइंड है, इन दोनों के ऊपर कंट्रोल आना चाहिए, और वो सिर्फ और सिर्फ किससे आएगा, योगा से आएगा. और इसलिए योगा क्या है, फिलोसफी भी है, यानी दर्शन भी है, और वो शास्त्र भी है, साइंस भी है, ऐसा योगा सूत्र में लिखा गया है. क्लियर है? हाँ, तो फिर ये जो है, इसमें अभी बात क्या कर रहा है, योगा आपको आउटर कंट्रोल भी कर रहा है, फिजिक जो आपकी फिजिक है, बॉडी, फ्लेश एंड ब्लड, और आपका इनर कॉन्शियसनेस, माइंड वगैरह जो भी है उसके ऊपर भी कंट्रोल करना है. तो दो टाइप्स के योगा आते हैं. एक आता है हठ योग, जो आपकी आउटर फिजिक को कंट्रोल करता है, और दूसरा होता है राजयोग, जिसमें आप मेडिटेशन के थ्रू आप आपके माइंड एंड आपके जो सेंसेस है एंड इनर कॉन्शियस के ऊपर विजय पाते हो. तो ये दो टाइप्स भी पता होने चाहिए योग के, हठ योग, राजयोग. ठीक है, तो हठ योग क्या है, कंट्रोल ओवर बॉडी, एंड सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूं मैं. राजयोग मतलब कंट्रोल ओवर माइंड, राजयोग मतलब क्या है, कंट्रोल ओवर माइंड. सिर्फ माइंड एंड बॉडी, ये दो चीजें भी ध्यान में रखेंगे एग्जाम परस्पेक्टिव, रिवीजन परस्पेक्टिव से, तो भी क्लियर हो जाएगा ये सारी चीजें. क्लियर है ऑनलाइन? और फिर ये बॉडी प्लस माइंड दोनों को कलेक्टिवली कंट्रोल करने के लिए अष्टांग योग दिया गया है. बॉडी प्लस माइंड कलेक्टिवली कैसे कंट्रोल हो गए, दे विल बी कंट्रोल थ्रू अष्टांग योग. जैसे हमारा एट फोल्ड पाथ है, अष्टांग मार्ग है गौतम बुद्ध का, ऐसे अष्टांग योग है, अष्टांग चक्र योग, साइक्लिक. ठीक है, और इसमें सबसे पहले क्या आएगा, यम. ठीक है, और यम मतलब क्या है, कहीं ना कहीं आपका कंट्रोल ओवर बॉडी एंड ऑर्गन्स. ठीक है, तो बॉडी एंड ऑर्गन्स के ऊपर कंट्रोल चाहिए आपका, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नियम. नियम मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस या सेल्फ डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ेगा. नियम, सेल्फ डिसिप्लिन. ठीक है, फिर तीसरा क्या आएगा आपका, तीसरा है, तो ये सेल्फ डिसिप्लिन आप कैसे पा पाओगे, खास करके आउटर जो बॉडी है, आउटर बॉडी के ऊपर आपको कंट्रोल करना है ना सेल्फ डिसिप्लिन के थ्रू, अभी माइंड की बात नहीं हो रही है. तो कैसे करोगे, आसन, जो हम बोलते हैं योगासन. ठीक है, आसन मतलब डिफरेंट बॉडीली पोस्चर्स, आसनास, डिफरेंट बॉडीली पोस्चर्स, जो बाबा रामदेव हमें बताते हैं. ठीक, और आजकल भले ही वो ट्रेंड बन गया हो, फैशन बन गया हो, लेकिन
योगा लोग करते हैं आजकल, ठीक है, और इंटरनेशनल योगा डे की वजह से भी योगा की पॉपुलरिटी ऑल ओवर द वर्ल्ड बढ़ रही है। तो आसनास जो है, और डेफिनेटली योगासन बहुत ही अच्छा रहता ही है, क्योंकि बहुत सारे जो बीमारियां है उसको ठीक करने में शायद मेडिकल साइंस काम ना आए, बट कहीं ना कहीं योगा भी काम में आ जाता है बहुत सारे लोगों को। आपने भी देखा ही होगा आपके आसपास में कि बहुत सारे लोगों को उसका बेनिफिट मिलता है। तो जैसे हम बुद्धा को भी देखते हैं, पद्मासन सबसे फेमस है, आपका क्या है, फोल्डेड लेग्स पोजिशन जो होती है पद्मासन, जो खास करके तपस्या के लिए यूज की जाती है। फिर हमारे पास है शवासन, जहाँ पे आप डेड बॉडी की तरह लेटे हो। शीर्षासन यानी मेमोरी बढ़ाने के लिए जो नीचे सर और ऊपर पैर करके एक आपको बैलेंस करना पड़ता है, उसको शीर्षासन कहते हैं। धनुरासन है, वज्रासन है, बहुत सारे आसनास है। बैक पेन होगा तो धनुरासन यानी धनुष या बो की तरह आप बॉडी को मोड़ो तो बैक पेन ये हो जाता है। फिर आपका भुजंगासन होता है, जो एक पायथन होता है, भुजंग नाम का एक पायथन है, उसकी तरह एक आसन होता है। तो ऐसे बहुत सारे आसनास वगैरह रहते हैं। तो सिंपली आसन क्या है, डिफरेंट बॉडीली पोस्चर से, तो वो क्या करेंगे आपको यम या बॉडी के ऊपर कंट्रोल करने में आपको हेल्प करेंगे। और साथ साथ क्या है वो सेल्फ डिसिप्लिन, जैसे हमें आईएएस बनने के लिए पढ़ाई की में कंसिस्टेंसी और सेल्फ डिसिप्लिन चाहिए, तो वैसे बेसिकली वो नियम यानी सेल्फ डिसिप्लिन चाहिए एक रेगुलेटर मैनर में, रूल्स के हिसाब से, मतलब रिजिड रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है। आप जो भी खुद एक अपना फिक्स करोगे शेड्यूल, उसको फॉलो करोगे नियमित, बोलते ना नियमित रूप से करो नियम रेगुलर। फिर चौथा क्या आता है, प्रत्याहार। प्रत्याहार मीन्स चूजिंग एन ऑब्जेक्ट, चूजिंग एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। फिर बेसिकली क्या है कि अगर आपको अष्टांग मार्ग में जहां पे आपका पाथ सेल्वेशन की तरफ जाएगा, तो जाहिर सी बात है आपको कहीं ना कहीं एक राइट जो चीजों की जरूरत है, यानी यहाँ पे एक चीज ये है कि जैसे सांख्य बोलता है सेल्फ रियलाइजेशन जो है या नॉलेज है उसको आपको सेल्वेशन मिलेगा, पर योगा कहता है कि आपको कहीं ना कहीं एक मेंटोर की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि योग ये सारा अष्टांग योग सीखने के लिए आपको कोई ना कहीं गुरु या मेंटोर लगेगा। तो वो जो मेंटोर की बात की जाएगी वो है आपका प्रत्याहार, या यू आर चूजिंग राइट पर्सन राइट ऑब्जेक्ट, या यू आर चूजिंग राइट प्लेस फॉर परफॉर्मिंग योर योगा, दैट इज कॉल्ड प्रत्याहार। फिर पांचवा आएगा आपका, अभी बॉडी से हटके आप माइंड की तरफ आओगे, माइंड में आएगा, यानी टोटल पांचवा प्रिंसिपल आपका ध्यान। ध्यान मीन्स कॉन्सेंट्रेशन, ध्यान यानी कॉन्सेंट्रेशन। तो माइंड को बेसिकली रेडी करना है, ठीक, सिर्फ फिजिकल कंट्रोल नहीं है या फिजिकल डिसिप्लिन नहीं है, मेंटल डिसिप्लिन भी चाहिए आपको। तो मेंटल डिसिप्लिन में माइंड को लाने के लिए उसको रेडी करना है, इसलिए आपको ध्यान शुरू करना पड़ेगा, कॉन्सेंट्रेशन। कई बार हम जस्ट मेडिटेशन में एक 10 मिनट के लिए भी आँख बंद करके बैठे तो बहुत बार ऐसा होता नहीं है कि एकदम से आप इमर्स हो जाओगे अपने थॉट्स में। शुरुआत में 10-15 मिनट सबने एक्सपीरियंस किया भी होगा कि हमारे थॉट्स बहुत कुछ चलते रहता है, जो आउटर वर्ल्ड है या जो कहीं ना कहीं अपने लाइफ में हो रहा है वो थॉट्स से हम तुरंत बाहर नहीं आ पाते, धीरे धीरे जाके फिर आपका कहीं ना कहीं वो कॉन्सेंट्रेशन बन जाता है, अदरवाइज डिस्ट्रैक्शन शुरुआत में आती ही आती है। ये कहीं ना कहीं आप सब लोगों ने एक्सपीरियंस किया भी होगा। तो ध्यान मीन्स क्या है, कॉन्सेंट्रेशन। और वो कॉन्सेंट्रेशन तभी आएगा जब आपके पास नेक्स्ट एस्पेक्ट होगा धारणा। धारणा मीन्स राइट माइंडसेट। तो यहाँ ध्यान में बैठ गए और फिर अंबानी के वेडिंग में रिहाना आई थी या नहीं आई थी, वो थॉट्स आने लगे, तो वो राइट माइंडसेट नहीं है, उसको धारणा कह नहीं सकते। राइट माइंडसेट का मतलब धारणा होता है जहां पे धीरे धीरे कॉन्सेंट्रेशन पाने के लिए आप सही माइंडसेट चाहोगे, आपका ऑब्जेक्ट क्लियर होगा, ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा कि मुझे किस चीज के लिए वो ध्यान करना है या कॉन्सेंट्रेशन करना है, और फिर वो राइट माइंडसेट आ गया। जैसे आईएएस बनने के लिए पढ़ाई में अगर राइट माइंडसेट नहीं है तो वो पढ़ाई नहीं हो पाएगी। कई बार आपके प्रिपरेशन में भी होता है कि एक हफ्ता अच्छे से पढ़ लिया, अगला हफ्ता किसी ना किसी चीज की वजह से आपका माइंडसेट बन ही नहीं रहा है। अरे मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन आज वो कहीं ना कहीं हो ही नहीं रहा है, जिस फ्लो में मैंने लास्ट वीक पढ़ा था आज हो ही नहीं रहा है, क्या प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ डिस्ट्रैक्शन आ रहा है। तो धारणा बन नहीं रही है, आपका माइंडसेट बन नहीं रहा है, तो राइट माइंडसेट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड, धारणा, ठीक है। क्लियर ऑनलाइन?
तो कितने हो गए आपके, यम नियम दो हो गए, आसन तीन, प्रत्याहार चार, ध्यान पांच, धारणा छह। फिर आपका आएगा सातवां जो आएगा यहां पे मेडिटेशन, यानी आप खुद योग में चले जाओगे, योग और साधना जिसको कहते हैं, योग और साधना, ये दो वर्ड अलग भी है और एक साथ भी है, योग साधना एज वी कॉल। और यहां पे साधना मतलब मेडिटेशन, एक बार कॉन्सेंट्रेशन आ गया, राइट माइंडसेट है, फिर आप धीरे धीरे बाहर का वर्ल्ड भूल जाओगे, इनर सेल्फ में जाओगे, अंदर की खोज में जाओगे। इसका मेडिटेशन के लिए आप कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो उसको ध्यान, जैसे बोलते ना नासाग्री होता है, उसमें आप जो नोज टिप है उसके ऊपर आप आईज सेट करो, पहले आंखों को दुखेगा, इतना आसान नहीं है वो, धीरे धीरे आप देखिए उसका असर पड़ेगा आपको, फिर आपका कॉन्सेंट्रेशन आएगा, जैसे चिड़िया की आंख, वो कंसेप्ट है। और फिर आप लॉन्ग टर्म मेडिटेशन कर सकते हो, ध्यान इज द फर्स्ट स्टेज एंड देन साधना इज लाइक, साधना मतलब बोलते ना आईएएस बनना भी एक साधना है, ठीक, इसके लिए बहुत प्रैक्टिस लगेगी आपको, एक तरीके से वो एक मिशन बन जाता है। और जैसे क्रिकेट, आप सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट खेला, वो वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन बन गए, वो ऐसे नहीं बन गए, वो उनमें इनबिल्ट टैलेंट था, वो जीनियस थे, बट वो साधना जो होती है कंटिन्यूस प्रैक्टिस करना वो जरूरी होती है। जैसे हमारी साधना है मॉक टेस्ट देना, वो साधना होती है तभी है, नहीं तो ध्यान तो आ गया, चार पांच दिन चला, कॉन्सेंट्रेशन ब्रेक, ठीक है, फिर उसका मतलब नहीं है, फिर बैक टू पैवेलियन, फिर से शुरू करो। तो साधना मतलब वो एक लॉन्ग टर्म है आपकी, और वो क्या आपकी, इसको मेडिटेशन बोलेंगे, जो लॉन्ग टर्म कैरी किया गया है। एंड ये सब होगा तो फिर आप समाधि मिलेगी, कि आप बाहर का वर्ल्ड भूल जाओगे, इनर सेल्फ को खोजोगे, और जो भी आपका कॉन्शियसनेस है, चेतना, आत्मा, जो भी है, एक्स वाई जेड, उसकी रियलिटी समझ में आगी, यानी तत्वम असी, आप कौन हो समझ में आएगा आपको, और आउटर वर्ल्ड कितना आपके लिए आवश्यक है या नहीं है समझ में आओगे, और आपको सॉल्वेशन मिल सकता है, आपका रास्ता आप सामने है आपके। तो लास्ट क्या है, लास्ट एस्पेक्ट है समाधि, ठीक है, यहां ऊपर राइट कॉर्नर में लिख रहा हूं समाधि, ठीक है, इमर्जन इंटू सेल्फ, समाधि मतलब क्या है, इमर्जन इंटू सेल्फ, ये पॉइंट ध्यान में रखना है, ठीक है, क्लियर है। तो ये आठ एस्पेक्ट है अष्टांग योग के, कि जहां से बेसिकली आपका बॉडी एज वेल एज माइंड एंड सेंसेस ऑर्गन्स सब के ऊपर कंट्रोल आएगा। एंड बॉडी ऑर्गन्स के लिए खास करके आपका क्या है, हठ योग है, एंड सेंस और जो आपका ये है इनर सेल्फ है या माइंड है, उसके लिए क्या है, राजयोग आता है। और फिर योग सूत्र में क्या कहा गया है, जब आप ये मास्टरी अचीव करते हो, साधना से समाधि में आते हो, तो फिर आप पुरुष एंड प्रकृति, ये जो ड्यूअलिज्म है वो भूल जाओगे, फिर से मोनोइज्म की तरफ आओगे, जो सुप्रीम रियलिटी है, यानी ओरिजिनल जो पुरुष था, जो कहीं ना कहीं सुप्रीम आइडेंटिटी है, उसी को आप परसीव करके जो ब्रह्म है, पर ब्रह्म एज वी से, और आपको सॉल्वेशन मिलेगा, आपका सोल भी परमानेंटली लिबरेट होगा, यानी आप मोह माया जाल से छूटोगे, सिंपली आप मोह माया जाल या मटेरियल वर्ल्ड से आपका सोल परमानेंटली बाहर आएगा, फिर से वो रीबर्थ में नहीं जाएगा, ये कहा गया है, ठीक है। तो सांख्य का मतलब योगा सांख्य को कॉम्प्लीमेंट करता है, ये नोट करना है आपको। आपका हमारा इन्फेरेंस क्या होना चाहिए इसमें, अनुमान यूपीएससी के लिए, इससे इंटरप्रिटेशन क्या आएगा, सांख्य इज कॉम्प्लीमेंटेड बाय योगा, सांख्य इज सपोर्टेड बाय योगा, ठीक है, इसलिए सांख्य और योग बहुत एक दूसरे के क्लोज माने जाते हैं। आया ध्यान में, ऑनलाइन, यस सर, ओके, आओ तीसरे ऊपर, तीसरा आपने कहा न्याय है ना, yes. न्याय, न्याय एज अ फिलोसफी किसने दी है, अक्षपाद गौतम, हाँ किसमें किसमें, हाँ खास करके योग में की गई है, मतलब जो कंट्रोल ओवर सेंसेस एज वेल एज बॉडी ऑर्गन्स है ना, तो उसमें जैसे तामस तामस प्रवृत्ति होती है,
कि जिसमें आप कहीं ना कहीं बहुत वॉयलेंट होते हो या शॉर्ट टेम्पर्ड होते हो, गुस्सा जल्दी आता है, एग्रेशन दिखता है, और साथ ही साथ जो बहुत ही क्या बोल सकते हो उसको, लो लेवल की जो चीजें हैं, इनफैक्ट खान पान में भी वैसी चीजों में आपको ज्यादा रुचि रहती है, वैसे लोग तामस माने जाते हैं, तमोगुण। जो रजोगुण होते हैं, रजोगुण में ऐसा बोला जाता है, ये बुद्धा के मिडल पाथ जैसा है, ये लोग थोड़े से मटेरियलिज्म, यानी तामस मतलब एक्सट्रीमली मटेरियलिस्टिक सिंपल, जिनको स्पिरिचुअलिज्म से कोई लेना देना नहीं होता है, ये चीज आती है तामस वाले। रजोगुण मतलब क्या है, ईस्ट या वेस्ट, इंडिया इज वेस्ट, थोड़ा सा मटेरियलिज्म में भी जाएंगे, थोड़ा सा स्पिरिचुअलिज्म में जाएंगे, यहाँ पे पिज्जा भी खाएंगे शिवरात्रि को, भगवान शिव जी को दूध और जल भी चलाएंगे, ये आपके रजोगुण वाले है, नॉर्मल नॉर्मल जो ह्यूमन बींग से फैमिली लाइफ वाले। एंड सत्वगुण मतलब जो एकदम प्योर है, कि जो एकदम सिंपलिस्टिक लाइफ में आते हैं, मतलब ये सेजेस एंड एस्थेटिक्स वगैरह है, जिनका गोल ही स्पिरिचुअलिज्म बन चुका है, जो मटेरियल वर्ल्ड से परे है, ये चीज आती है, ठीक है। परा एंड अपरा, ये भी दोनों कंसेप्ट है, यानी परा मतलब जहां एक बाउंड्री होती है नॉलेज की, नॉलेज या आपका जो परसिप्शन है, ठीक है, इसकी एक बाउंड्री होती है, जो आपके जो आप फील करते हो उसकी एक बाउंड्री होती है, वो होती है परा, और उस लिमिट के बाहर जो लोग सोच पाते हैं या जो चीजों को परसीव कर पाते हैं, देख पाते हैं, उसको एक्सपेरिमेंट करते हैं, वो अपरा में आता है, ऐसे लोग जो होते हैं वो सत्व गुण वाले होते हैं, ये चीज भी कही गई है, ठीक है। वो खास करके योगा में ज्यादा उसका फोकस है। आधन में तो अक्षपाद गौतम, ये भी एक सेजी थे, सारे सेजी थे सब लोग, और इनकी जो न्याय फिलोसफी है ये प्रॉपरली साइंटिफिक स्कूल ऑफ थॉट मानी जाती है, वन ऑफ द अर्लिएस्ट साइंटिफिक स्कूल ऑफ थॉट इन द वर्ल्ड, बेस्ड ऑन रीजनिंग, लॉजिक एंड साइंटिफिक टेम्पर, ठीक है। और यहां पे क्या है, न्याय का मतलब ऑब्वियसली जस्टिस भी है और चीजों को बैलेंस भी करना है, ठीक, ऑब्जेक्टिवली उनको देखना है, न्याय जस्टिस और जजमेंट, फोकस ऑन ऑब्जेक्टिविटी। बाय रिमूविंग सब्जेक्टिव एस्पेक्ट्स, तो सब्जेक्टिविटी को एक तो कंप्लीटली रिमूव करो या मिनिमाइज करो, एंड एज फार एज पॉसिबल ऑब्जेक्टिवली क्या है, कहीं ना कहीं चीजों को देखो, या किसी चीज के ऊपर भी आपको अगर कोई डिसीजन लेना है, आपको कमेंट करना है, जैसे आप यूपीएससी के इंटरव्यू में जाओगे, बोर्ड मेंबर्स एज फार एज पॉसिबल ऑब्जेक्टिवली आपको जज करते हैं, और ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए, तो ये चीज होती है, तो वो न्याय में आता है, रीजनिंग लॉजिक साइंटिफिक टेम्पर सारी चीजें है। और जो इसलिए न्याय में भी नॉलेज का कंसेप्ट आता ही है, और इसलिए चार जो नॉलेज के फॉर्म्स जिसमें न्याय, जिसको न्याय एक्सेप्ट करती है, वो हमें देखने हैं, फोर वैलिड फॉर्म्स ऑफ नॉलेज। एक्सेप्टेड बाय न्याय, पहला आपका आएगा वही जो प्रत्यक्ष, यानी क्या है, परसिप्शन, दूसरा अनुमान यानी इन्फेरेंस, ठीक, प्रत्यक्ष मतलब परसिप्शन, दूसरा अनुमान यानी इन्फेरेंस, तीसरा आएगा आपका कंपैरिजन, कंपैरिजन का मतलब है उपमान, उपमान मतलब कंपैरिजन, एंड फिर आपका शब्द यानी वर्बल टेस्टिमनी, और हेयरिंग। तो ये चार जो नॉलेज के फॉर्म्स है,
उसको न्याय मानती है। सांख्य जो है वो उपमान या कंपैरिजन को लेता नहीं है। सांख्य क्या है? सांख्य उपमान या कंपैरिजन को लेता नहीं है, और इसलिए आपको न्याय में उपमान या कंपैरिजन दिखता है, क्योंकि वो स्कूल ऑफ लॉजिक है ना, तो नॉलेज को रिलेटिवली भी देखेगी, नॉलेज को रिलेटिवली भी देखा जाएगा। और जो न्याय का कंसेप्ट है वो आपको उपनिषद में भी ऐसे उपनिषद से ही आया है, आपको कहाँ मिलेगा? बुद्धिज्म में मिलेगा। बुद्धिज्म में ये कंसेप्ट जो है उसको हम प्रतित्य समुत्पाद कहते हैं। बुद्धिज्म में एक कंसेप्ट आता है प्रतित्य समुत्पाद, और जैनिज्म में भी ये कंसेप्ट आता है, उसको हम कहते हैं अनेकांतवाद। ये टर्म्स आपने पढ़े होंगे। तो प्रतित्य समुत्पाद जो बुद्धिज्म का है या जैनिज्म का जो अनेकांतवाद है वो क्या कहता है? देयर इज नो एब्सोल्यूट नॉलेज, देयर इज नो एब्सोल्यूट नॉलेज, देयर इज नो एब्सोल्यूट ट्रूथ। ठीक है, कोई भी चीज एब्सोल्यूट लेवल पे हम देख नहीं सकते, खास करके नॉलेज या ट्रूथ को एब्सोल्यूट लेवल पे हम देख नहीं सकते। ये जो आप कोई भी चीज को देख रहे हो या फैक्ट आपके सामने है वो एब्सोल्यूट है ऐसा बोल नहीं सकते, ट्रूथ अगर है वो एब्सोल्यूट है बोल नहीं सकते। ऑलवेज द थिंग्स विच आर देयर इन द करंट वर्ल्ड दे आर रिलेटिव, हर एक चीज का जो एग्जिस्टेंस है वो रिलेटिव है। जैसे हम कहते हैं वी एज अ ह्यूमंस वी आर अ सोशल एनिमल, क्यों कहते हैं हम? क्योंकि आइसोलेशन में रहना पॉसिबल नहीं है। तो हर एक चीज का जो डिपेंडेंस है वो दूसरे की वजह से है, और इसलिए तो बार बार हम जो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, सेल्फ इंटरेस्ट पब्लिक इंटरेस्ट, क्यों? क्योंकि कंटिन्यूसली अगर सेल्फ इंटरेस्ट में जाएंगे तो पब्लिक इंटरेस्ट हार्म होगा, पब्लिक इंटरेस्ट हार्म होगा तो अपने आप सेल्फ इंटरेस्ट भी हार्म होने वाला है। तो इसलिए प्रतित्य समुत्पाद जो है या अनेकांतवाद है उसको डिपेंडेंट ओरिजिनेशन कहा जाता है, कि हर चीज रिलेटिव होती है। अगर कोई चीज आपको सही लगती है या गलत लगती है तो उसको सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से देखो, रिलेटिवली देखो, कंपैरेटिवली देखो। तो ये जो कंसेप्ट है कंपैरिजन के वो न्याय से आते हैं। ठीक है, भले ही न्याय फर्स्ट सेंचुरी एडी में अल्टीमेटली आ गई, पर शुरुआत तो उपनिषद टाइम में ही हुई थी। तो बुद्धिज्म जैनिज्म ने कहीं ना कहीं न्याय से ही आपका एस्पेक्ट लिए है, क्योंकि हमें यह पता है जैनिज्म बुद्धिज्म दोनों ही नास्तिक स्कूल है। क्यों नास्तिक है? सिर्फ भगवान को अपोज करना या वेदास को अपोज करना इसलिए नास्तिक है क्या? नहीं है। हमने जैन और बुद्धिस्ट फिलोसफी में देखा है दोनों लॉजिक रीजनिंग और साइंटिफिक टेम्पर को प्रमोट करती है, ब्लाइंड फेथ को अपोज करती है। तो ये तो न्याय ने पहले ही किया है, ब्लाइंड फेथ को अपोज करना है, और किसी भी चीज को एब्सोल्युटली सही मानना गलत मानना ब्लैक एंड व्हाइट में देखना पॉसिबल ही नहीं है। हर एक का रिलेटिव एस्पेक्ट देखो, हर एक को सर्कमस्टेंसेस में डाल के देखो, एंड एक ही जो चीज है उसके अलग अलग एंगल्स हो सकते हैं। अनेकांत, अनेक जैनिज्म जो बोलता है अनेकांत, अनेक मतलब क्या है? मल्टीपल ना, प्लूरलिज्म। क्यों बोलता है जैनिज्म? बोलता है अगर ट्रूथ है, एक ही ट्रूथ को 7 डिफरेंट एंगल से हम देख सकते हैं, उसको परसीव कर सकते हैं, उसको एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, उसको वेरीफाई कर सकते हैं, एंड फिर अनुमान या जो जजमेंट या इन्फेरेंस है वो ला सकते हैं, ऐसा अनेकांतवाद में जैनिज्म कहता है। तो उसने 7 एज अ नोशनल यूनिट लिया है, 7 मतलब एक्चुअल 7 नहीं है, एंगल्स और भी हो सकते हैं। तो उसने एक नोशनल सिंबॉलिक नंबर दिया है कि एटलीस्ट मिनिमम 7 एंगल्स एंड डायमेंशन आर देयर कि हम ट्रूथ को परसीव कर सकते हैं। ये अनेकांतवाद में जैनिज्म में बोला गया है, और बुद्धिज्म भी प्रतित्य समुत्पाद में वही बोलता है। तो उसी चीज को ओरिजिनली हम वैदिक फिलोसफी या जो षड दर्शन फिलोसफी में न्याय में देख सकते हैं, ये पॉइंट ध्यान में रखना है। ठीक है, क्लियर है सबको ऑनलाइन? और इसलिए न्याय में कंपैरिजन जरूरी है, सांख्य कंपैरिजन में नहीं जाता है। इसलिए सांख्य उपमान को लेता नहीं है, बाकी 3 को लेता है, न्याय जो है उपमान या कंपैरिजन को भी लेता है, ये पॉइंट ध्यान में रखना है। ठीक है, और अगेन सांख्य योगा न्याय ये सारे फिलोसफीज एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड ही है, ये चीज ध्यान में रखना है। और भले ही क्या है, फिर से वही है सांख्य की तरह, सांख्य पहले स्पिरिचुअल थी बाद में मटेरियलिस्टिक बन गई, और फिर उसका ऑब्जेक्ट फिर से वही है कि आफ्टरवर्ल्ड स्पिरिचुअलिज्म मोक्ष। न्याय का भी फोकस वही है, बट न्याय क्या कहता है? न्याय की शुरुआत लॉजिक एंड रीजनिंग से हो गई थी, बाद में जाके न्याय ज्यादा स्पिरिचुअल हो गई। जब न्याय शुरुआत हुई थी तो न्याय बेसिकली साइंटिफिक स्कूल ऑफ थॉट के हिसाब से ही आई थी, उसमें फिलोसॉफिकल एंगल्स एब्सेंट है। बाद में जाके उसमें फिर कहीं ना कहीं फिलोसॉफिकल एंगल्स आ गए,
एंड जो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट आ गए वो आपका लेटर पार्ट में देखने को मिलता है. तो ये भी एस्पेक्ट ध्यान में रखना है विथ रिस्पेक्ट टू न्याय. ठीक है, और कहीं ना कहीं फिर न्याय भी क्या कहेगी. हाँ, बट न्याय की एक चीज है, न्याय जो है वो कहेगा कि वेदास आर नॉट इनफेलेबल. न्याय वेद और उपनिषद में रूटेड है और इसलिए वो ब्लाइंड फेथ में नहीं जाएगी. आप वेदों का नॉलेज को भी आप वेरीफाई करो, साइंटिफिक टेम्पर रीजनिंग से सब देखो और फिर आप अपना अनुमान या जो इंटरप्रिटेशन या इन्फेरेंस है वो लाओ. लेकिन वो आपका अनुमान जो है या कंक्लूजन है या इन्फेरेंस है वो आपका सब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए, वो ऑब्जेक्टिव ही होना चाहिए. ये बात ध्यान में रखना है. तो इसलिए वो बोलते कि वेदास में नॉलेज दिया है इसका मतलब आपको सल्वेशन मिलेगा, ऐसा नहीं है. उस नॉलेज से जब तक साइंटिफिकली आप सारी चीजों को नहीं करोगे, प्रूव नहीं करोगे या उसको सामने लाओगे नहीं, तब तक आप सल्वेशन अचीव नहीं कर पाते हो या अचीव कर नहीं पाओगे. ये न्याय फिलोसॉफी कहती है. ये पॉइंट भी ध्यान में रखता है. ठीक है, तो स्पिरिचुअलिज्म की तरफ आने के बावजूद उसने अपना साइंटिफिक टेम्पर मेंटेन किया है. वो गॉड में विश्वास करेगी और जाहिर सी बात है मोक्ष की बात है तो सोल और ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल ये बात आएगी, बट वो सारा थ्रू साइंटिफिक टेम्पर रीजनिंग एंड लॉजिक इसको ध्यान में रखते हुए आएगा. उसका वो न्याय का बेसिक स्ट्रक्चर है उसके कॉन्स्टिट्यूशन का, जो उससे कभी हटेगा नहीं. क्लियर है न्याय का. और जाहिर सी बात है इस फिलोसॉफी का टेक्स्ट क्या है, न्याय सूत्र. हर एक के आगे सूत्र शब्द लगाना है. अक्षपाद गौतम के न्याय सूत्र, इसमें इनकी फिलोसॉफी आपको मिलेगी. ठीक है, अब किसका किसका, वेदास को मानते हैं लेकिन वो बोलेंगे वेदास को ऑब्जेक्टिवली देखो, वेरीफाइड मैनर में देखो, आप खुद उसकी स्क्रूटिनी करो. इसके बाद जो स्कूल आएगी एक और, अभी बीच में वैशेषिक आएगी, जो पांचवी स्कूल आएगी मीमांसा. मीमांसा वाले आर्य समाज जैसे है, वेदास आर इनफेलेबल. वेदास में जो लिखा है वो सब सही है, वेदास को क्वेश्चन नहीं कर सकते हो आप, ऐसा मीमांसा बोलेगी. एंड न्याय इज लाइक अ ब्राह्मो समाज. ब्राह्मो समाज क्या बोलता है, वेदास में अच्छा नॉलेज है बट वो ब्लाइंड फेथ की तरह मत लो, उसको साइंटिफिक टेम्पर के हिसाब से देखो. तो इसको मॉडर्न इंडिया से भी लिंक करके देखो, आर्य समाज और ब्राह्मो समाज. 2012 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा भी था कि ब्राह्मो समाज के हिसाब से वेदास आर इनफेलेबल. नो, ब्राह्मो समाज रिस्पेक्ट वेदास, उसमें बहुत अच्छा नॉलेज ये मानता है ब्राह्मो समाज, बट ब्राह्मो समाज बोलता है उसको साइंटिफिक टेम्पर रीजनिंग एंड ऑब्जेक्टिव स्क्रूटनी के हिसाब से ही देखो. बस वेदास ने ये बोला मतलब सब सही है, वो ब्लाइंड फेथ हो जाएगा. आर्य समाज बोलता है कि वेदास को आप क्वेश्चन कर ही नहीं सकते हो, आपको कंप्लीट फेथ वेदास में होना चाहिए. जो उस समय लिखा गया था कुछ सोच समझ कर ही लिखा गया था, हमारा दिमाग उस लेवल पे जा नहीं सकता है, हम ब्लाइंड फेथ के हिसाब से उसको एक्सेप्ट करें तो हमारे लिए अच्छा है, ऐसा आर्य समाज बोलता है. तो वैसे यह है, न्याय वेदास को मानेगा, उपनिषद को मानेगा, लेकिन रीजनिंग साइंटिफिक टेम्पर ऑब्जेक्टिव स्क्रूटनी के हिसाब से ही वो मानेगा. ये चीज ध्यान में रखने, क्लियर है. ओके, फिर आपका आएगा वैशेषिका स्कूल ऑफ थॉट. वैशेषिका, इसको किसने दिया है, महर्षि कणाद. महर्षि कणाद, ठीक है, कणाद ऋषि कहते थे इनको. कण, कण का मतलब ही अटोम है या माइन्यूट पार्टिकल जिसको हम कह सकते हैं. दुनिया में ऑफिशियली जब फिजिक्स की शुरुआत है तो वो यहां से वैशेषिका स्कूल ऑफ थॉट से दिखेगी. ये स्कूल भी 6th century BC से दिखती है, बट फिर भी लेटर वैदिक पीरियड में ही उसका शुरुआत हुआ था ऐसा माना गया है. तो जो वैशेषिका स्कूल है इसमें क्या है, इनका मानना यह है कि जो सारा वर्ल्ड है या यूनिवर्स है वो एक मैटर या सब्सटेंस जैसा है, जिसको उन्होंने पदार्थ कहा गया है. उन्होंने क्या किया, मैटर और अ सब्सटेंस, इट्स लाइक अ पदार्थ. ठीक है, और ये जो पदार्थ है या मैटर है या सब्सटेंस है, आपको आप उसको यू कैन रिड्यूस इट, यू कैन रिड्यूस इट टू द माइन्यूट लेवल. और स्मॉलेस्ट ऑफ द लेवल,
ठीक है, कोई भी मैटर या सब्सटेंस है जिसको पदार्थ कहा गया है उसको आप सबसे छोटे लेवल पे लेके आ सकते हो, माइन्यूटेस्ट लेवल पे आप लेके आ सकते हो, सबसे स्मॉलेस्ट लेवल पे लेके आ सकते हो, ऐसी लेवल कि जिसके बाद उसको डिवाइड करना पॉसिबल नहीं होगा। आप उसको इस लेवल पे ला सकते हो जिसके बाद उसको डिवाइड करना फर्दर पॉसिबल नहीं है। तो वो कहीं ना कहीं ऑटोमिक थ्योरी दी गई है। और जैसे सांख्य वैशेषिका में भी थोड़ा सा सांख्य का रिफ्लेक्शन है। सांख्य जैसे बोलता है पुरुष, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पुरुष आर देयर, ठीक, पुरुष का रिफ्लेक्शन जो है पुरुष एक ही है एज अ आइडेंटिटी, और वो आइडेंटिटी कहीं ना कहीं ऑमनी प्रेजेंट है, तो इनफाइनाइट लेवल पे वो पुरुष के जो ये है ये क्या बोल सकते हैं उसको अंश है या उसका जो पार्ट है वो फैला हुआ है। वैसे यहाँ पे भी बोला गया है द होल यूनिवर्स इज द क्रिएशन ड्यू टू अटोम। तो पहले बार अटोम इन ए साइंटिफिक वे वो बात की गई है महर्षि कणाद की तरफ से, और अटोम को उन्होंने बेसिकली क्या कहा है, अणु कहा है। अटोम हैज बीन कॉल्ड एज अ अणु, ठीक है, एटॉमिक बॉम्ब, अणु बॉम्ब एज वी से, ठीक है। सो अटोम मींस अणु, ए एन यू, अणु। लेकिन उन्होंने भी यह भी कहा था कि जो अटोम है स्टिल इट इज पॉसिबल टू सब डिवाइड इट फर्दर, मतलब जिसको आज हम प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन कहते हैं, हालांकि वो कंप्लीटली प्रूव नहीं कर पाए थे, पर उन्होंने एक टर्म यूज किया है परमाणु, परमाणु ये टर्म यूज किया है। सो पॉसिबिलिटी ऑफ डिवाइडिंग अटोम, पॉसिबिलिटी ऑफ डिवाइडिंग अटोम फर्दर, ठीक है, वॉज गिवन बाय वैशेषिका स्कूल। तो आज जिसको हम प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन कहते हैं वो बात तो वो प्रूव नहीं कर पाए थे, बट उन्होंने कहा था कि इवन अटोम को भी पॉसिबली सब डिवाइड किया जा सकता है, और उसके लिए उन्होंने एक वर्ड लाया था परमाणु, ये नोट कर सकते हैं, और वो साइंटिफिकली उसको प्रूव नहीं कर पाए थे, ठीक है। एंड अटोम्स मिलकर अगर कुछ एक बेसिक लेवल का सब्सटेंस बनेगा, ठीक है, तो वो जो सब्सटेंस है वो क्या है, उसको उन्होंने रेणु कहा है, जिसको हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं, एज वी से मॉलिक्यूल्स, और बाय द नेम ऑफ मॉलिक्यूल उसको उन्होंने रेणु कहा है। तो अणु, रेणु एंड परमाणु, ये जो सारे एस्पेक्ट्स है वो कहीं ना कहीं मॉडर्न फिजिक्स में जो है वो दिए थे महर्षि कणाद ने, ठीक है, एंड दैट्स व्हाट इज नोन एज अ वेरी साइंटिफिक स्कूल ऑफ थॉट वैशेषिक। लेकिन इसका भी वही न्याय जैसा है, शुरुआत साइंटिफिक हो गई, बाद में उसका इंटरप्रिटेशन स्पिरिचुअल या रिलीजियस हो गया या फिलोसॉफिकल हो गया। शुरुआत कहां से हो गई, साइंटिफिकली हो गई, यूनिवर्स और उसका क्रिएशन एक्सप्लेन करना यह उसका पर्पस था, बट फिर बाद में जाके क्या है वो फिर उसी बात में आएगी, सोल ट्रांस माइग्रेशन ऑफ द सोल एंड सेल्वेशन में आएगी, ये पॉइंट ध्यान में रखना है, ठीक है। तो दिस इज अ वैशेषिका स्कूल ऑफ थॉट, इतना ही वैशेषिक करके ध्यान में रखना है, ज्यादा कुछ है नहीं, क्लियर है। फिर इसके बाद पांचवा आएगा मीमांसा, जिसको पूर्व मीमांसा कहेंगे। पांचवा स्कूल क्या है, मीमांसा। शैल आई चेंज द स्लाइड, पूर्व मीमांसा, ठीक है, स्कूल ऑफ एनालिसिस। मीमांसा का मतलब एनालिसिस होता है एंड क्रिटिकल थिंकिंग। ठीक है, और किसी भी चीज के जड़ में जाके उसको देखना है, वो थी आपकी स्कूल ऑफ मीमांसा। तो इसमें क्या है, भले ही नाम उसका मीमांसा है और बात वही है बाकी स्कूल की तरह ही है, शुरुआत उसकी भी लॉजिक रीजनिंग साइंटिफिक बेसिस पे होगी, जैसे न्याय का है, न्याय की ही लीगेसी को उसने कंटिन्यू करने की कोशिश की थी कि चीजों को साइंटिफिकली देखना है, लॉजिकली देखना है, ऑब्जेक्टिवली देखना है, जिसके लिए वो एनालिसिस करना है, मीमांसा का मतलब ही एनालिसिस है, और क्रिटिकली चीजों को थिंक करना है। बट पॉइंट ये है कि अल्टीमेटली जब मीमांसा जब स्पिरिचुअलिज्म में आ गई
उन्होंने वेदास में ज्यादा फोकस करना शुरू किया। और मीमांसा कहां पे फंस गई? मीमांसा वेदास के आउटर नॉलेज में फंस गई। आउटर नॉलेज मतलब जिसको हम ब्राह्मण कह सकते हैं, ब्राह्मणास जो वेदास की कमेंट्रीज है जिसमें रिचुअल्स एंड सैक्रिफाइसेस के रूल्स एंड रेगुलेशंस वगैरह दिए हैं, उसके ऊपर मीमांसा ज्यादा फोकस करने लगी। उसके ऊपर बाद में जाके मीमांसा फोकस करने लगी और फिर उन्होंने बोला कि सेल्वेशन का एक ही रास्ता वेदास है, और जो वेदास में नॉलेज है वो परमानेंट नॉलेज है, वो इनफेलेबल है, उसको क्वेश्चन करने की जरूरत है, जरूरत नहीं है। मतलब इनफैक्ट उनका कहना यह है कि हमने थ्रू एनालिसिस, ये स्कूल ऐसा मानती है कि इस वेदास में जो लिखा गया है वो परफेक्टली ऑब्जेक्टिव है, वो क्रिटिकली सारा जो उसको एग्जामिन किया गया है या वो साइंटिफिक टेम्पर के बेसिस पे है। और इसमें मीमांसा में और एक चीज है, वो मीमांसा है तो शुरुआत में जो साइंटिफिक अप्रोच था, तो इसमें आपको और चीज क्या दिखेगी, जैसे हमने देखा कि न्याय में चार चीजों को हमने देखा, कौन सी चीजें हैं न्याय में? प्रत्यक्ष मीन्स आपका परसेप्शन, अनुमान इन्फेरेंस, उपमान कंपैरिजन, ठीक है, और फिर क्या आपका लास्ट शब्द वर्बल टेस्टिमनी। अभी मीमांसा में प्रत्यक्ष को निकालना है, मीमांसा में प्रत्यक्ष को निकालना है, पहले बाद में जो तीन चीजें उसको लेना है। मीमांसा में क्या आएगा बताता हूं, तो आपका अनुमान यानी इन्फेरेंस, करेक्ट, फिर उपमान कंपैरिजन एंड एन शब्द यानी वर्बल टेस्टिमनी, सॉरी वर्बल टेस्टिमनी और हियरिंग, ठीक है, इसको मीमांसा देती है। और मीमांसा को बेसिकली क्या है, अप्रत्यक्ष स्कूल कहते हैं, क्योंकि वो इनडायरेक्ट चीजों में जाती है, वो प्रत्यक्ष में बिलीव नहीं करती है ना, तो अप्रत्यक्ष स्कूल उसको कहते हैं। और इसलिए वो और दो चीजों में आती है, ठीक है, एक तो होता है अप्रत्यक्ष का मतलब अनुपलब्धि, अनुपलब्धि और अप्रत्यक्ष। इनडायरेक्ट इन्फेरेंसेस एंड एविडेंसेस, और एविडेंसेस को क्या कहेंगे, प्रमाण, प्रमाण दो, साबित करो, ठीक है, तो इनडायरेक्ट एविडेंसेस में आएगी वो। एक तो है प्रत्यक्ष, जिसमें प्रत्यक्ष प्रमाण भी आता है, डायरेक्ट एविडेंस, और ये अनुपलब्धि या इनडायरेक्ट एविडेंस में बिलीव करती है, ठीक है, प्रमाण, इनडायरेक्ट एविडेंसेस। तो ये एस्पेक्ट कहा है मीमांसा में ध्यान रखना है विद रिस्पेक्ट टू इट्स सो कॉल्ड फिलोसॉफिकल डायमेंशन जो उसने शुरुआत में लाए थे, जिसको वो क्रिटिकल थिंकिंग में इस्तेमाल करने वाली थी, ठीक है। और फिर मीमांसा किस चीजों को रिजेक्ट करेगी, ये चीज न्याय में भी है, ये चीज आप न्याय में भी नोट कर सकते हो, कुछ चीजों को न्याय और मीमांसा दोनों ने निग्लेक्ट किया है, किसको, फॉल्सहुड और एरर्स, डाउट्स, ठीक है, हाइपोथेटिकल आर्ग्यूमेंट्स, ओके, फॉल्सहुड या एरर्स, फिर आपका डाउट्स, हाइपोथेटिकल जो आर्ग्यूमेंट्स है, इन चीजों को न्याय ने भी रिजेक्ट किया है और मीमांसा ने भी रिजेक्ट किया है। तो वो जो भी अपना अनुमान या इन्फेरेंस लाएंगे, कंक्लूजन या आउटकम लाएंगे, उसमें वो हाइपोथेटिकल आर्ग्यूमेंट्स में विश्वास नहीं कर सकते। जिन चीजों में डाउट या कॉन्ट्राडिक्शन है, और एक चीज है कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन या जो लैक ऑफ क्लैरिटी है,
इन चीजों में ये लोग विश्वास नहीं करते, न्याय भी नहीं करता है, मीमांसा भी नहीं करती है। जहां आर्ग्यूमेंट्स हाइपोथेटिकल है उन चीजों में भी न्याय और मीमांसा विश्वास नहीं करते हैं। ओके, तो ये चीज भी ध्यान में रखनी है विथ रिस्पेक्ट टू न्याय ऑल्सो एंड एज वेल एज मीमांसा ऑल्सो। बट ये सारा साइंटिफिक एस्पेक्ट होने के बावजूद अल्टीमेटली जैसे मैंने क्या बताया, मीमांसा कहां पे फंस गई कि जब स्पिरिचुअलिज्म में आई, जो कि कोई गलत बात नहीं है, बट वो फिर अपनी ही चीजों को कॉन्ट्राडिक्ट करने लगी कि भाई वेदास में क्या है, सारा नॉलेज सही है, वेदास इनफेलेबल है, उसको बेसिकली कहीं ना कहीं डायरेक्टली एक्सेप्ट कर सकते हैं, जो वेदास में लिखा है वो सही है। और मीमांसा का और एक चीज नोट करना है, जब यूनिवर्स का भी इंटरप्रिटेशन आया तो मीमांसा का कहना है वेदास में जो मंत्र है और वेदास में जो श्लोक है हाइम्स, उसकी वजह से यूनिवर्स क्रिएट हुआ है और उसकी वजह से यूनिवर्स की एनर्जी या उसका साइकिल चल रहा है। ये पॉइंट नोट करिए। मीमांसा बाद में क्या कहने लगी कि वेदास जो है सब कुछ सही है ना, ब्लैंकेट जो है अप्रूवल दे दिया था उन्होंने वेदास को, मीमांसा ने अपनी ही एनालिसिस के प्रिंसिपल को उसको के ऊपर उसको रखा नहीं था। तो उनका क्या कहना क्या है, द यूनिवर्स हैज बीन बेसिकली क्रिएटेड बाय, क्रिएटेड ड्यू टू वेदास ओनली, वेदास के जो मंत्र और श्लोक है उसकी वजह से ही, उसके पावर की वजह से यूनिवर्स क्रिएट हुआ है, और वेदास के जो मंत्र और श्लोक है वही उस यूनिवर्स की एनर्जी है, उसका इंजिन है, उसको चला रहे हैं, उसके साइकिल को कैरी कर रहे हैं। ये भी मीमांसा बोलती है। और इसलिए अल्टीमेटली जब सालवेशन की बात करेगी तो मीमांसा क्या कहेगी, वेदास का नॉलेज बस ले लो, उसको ग्रहण करो, सालवेशन मिल जाएगा। योर पाथ टू सालवेशन लाइज इन वेदास, ये पॉइंट ध्यान में रखना है। मीमांसा उपनिषद में नहीं आती है, ये भी नोट कर सकते हो, इसलिए उसको पूर्व मीमांसा कहते हैं। मीमांसा उपनिषद के ऊपर फोकस नहीं कर सकती करती है, या उसमें वो उसके ऊपर वो कमेंट नहीं करती है, इसके लिए उसको पूर्व मीमांसा कहा जाता है। वेदास ही आपका सालवेशन का रास्ता है। ठीक है, क्लियर है सबको? और मीमांसा को दिया किसने है, मीमांसा के जो ये प्रपोनेंट, हाँ, सेज जैमिनी, ठीक है, सेज जैमिनी बेसिकली ही इज अ फाउंडर और अ प्रोपाउंडर ऑफ आपका क्या है, मीमांसा। और उनका टेक्स्ट कौन सा होगा, जैमिनी सूत्र, न्याय सूत्र, योग सूत्र, सांख्य सूत्र, वैशेषिक सूत्र एंड जैमिनी सूत्र। ठीक है, क्लियर है? अभी आज का हम लास्ट देखते हैं, उत्तर मीमांसा यानी वेदांत, लास्ट जो फिलोसॉफी है वो क्या है, उत्तर मीमांसा आएगी, वेदांत। और इस उत्तर मीमांसा या वेदांता स्कूल को दिया किसने है, बादरायण यानी वेद व्यास, जिन्होंने सारे वेदों को रचा था, या एक ही वेद था पहले जिसको चार में डिवाइड किया, और महाभारत जिसको पंचम वेद कहते हैं उसका भी कहीं ना कहीं जो वेद व्यास उसके लेखक है ऐसा जो माना जाता है, लेखक नहीं कंपोजर, लेखन तो भगवान गणेश जी ने किया था ऐसा माना जाता है, बट व्यास जी ने सारा महाभारत बताया था, तो रचयिता व्यास है ऐसा बोला जाता है। तो वही वेद व्यास जिनको बादरायण कहते थे, क्योंकि बद्रीनाथ का जो आश्रम है, ठीक, जो हमारा बद्रीनाथ केदारनाथ है, बद्रीनाथ में आके वेद व्यास जी ने महाभारत रचा था ऐसे कहते, तो उनको बादरायण भी कहा जाता है, और नारायण के भक्त भी थे भगवान विष्णु के। सो बादरायण या वेद व्यास इज अ
प्रॉपर प्रपोनेंट ऑफ द सो कॉल्ड वेदांता स्कूल ऑफ थॉट या फिलोसॉफी, ठीक है। और इसको हम उत्तर मीमांसा कहते हैं क्योंकि वो उपनिषद के ऊपर फोकस करती है, वो वेदास के ऊपर फोकस नहीं करती है। भले वेदास के रचयिता वेदव्यास हो, उनको वेदव्यास इसीलिए कहा जाता है, पर वो स्कूल कहां पे फोकस करिए, वेद और उसका अंत, वेदों का अंत, आदि मतलब शुरुआत, अंत मतलब एंड। तो वेदास के वैदिक लिटरेचर में सबसे लास्ट में कौन है, उपनिषद आते हैं। वेदों का अंत कहां पे होता है, उपनिषद, इसलिए वेदांत। और इसी वेदांत फिलोसफी को बाद में शंकराचार्य जो है भक्ति मूवमेंट के वन ऑफ द अर्लीस्ट भक्ति सेंट, 9th सेंचुरी में वो आगे लेके गए थे। और फिर 19th सेंचुरी में स्वामी विवेकानंद ने अपना एक मॉडर्न कॉन्टेक्स में वेदांता का रिफ्लेक्शन दिया है, ये सारी बात है, ठीक। तो वो हम भक्ति मूवमेंट वाला जो जो मैंने बताया अद्वैत द्वैत वगैरह वो सब बाद में देखेंगे। शंकराचार्य जो आए थे 9th सेंचुरी में, उन्होंने अद्वैता का कंसेप्ट लाया था, तो वो हम बाद में देखेंगे, एक अलग लेक्चर उसके लिए 2 घंटे का कम से कम लगेगा। यहाँ पे पॉइंट क्या कर रहा है कि वेदांत फिलोसफी कहाँ से आ रही है, उपनिषद, ठीक है, इसलिए उसको उत्तर मीमांसा कहते हैं। और यहाँ पे फोकस कहाँ पे है, जो एक्चुअल सोल ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ द सोल एंड रिलेशन बिटवीन द सोल एंड द सो कॉल्ड सुप्रीम रियलिटी, ये पहली बार अगर कहीं किया गया है तो वो वेदांत में प्रॉपरली किया गया है। तो यहां पे पहला कंसेप्ट आएगा जीवात्मा, जीव प्लस आत्मा, ठीक है। जीव क्या है, इंडिविजुअल एंड हिज और हर आउटर सेल्फ, करेक्ट। और आत्मा क्या है, इनर कॉन्शियसनेस, हाँ वही सोल, आत्मा मतलब सोल, यानी वो इनर कॉन्शियसनेस है। हम क्या बोलते हैं, वाई वी आर अलाइव, जब तक आत्मा है यानी आपका अंदर का कॉन्शियसनेस है, चेतना है, तब तक आप जिंदा हो। चेतना बंद होती है इसका मतलब ही आप कहीं ना कहीं डेथ होती है। जैसे हार्ट अटैक आ गया तो भी इंसान मरता है ऐसा नहीं है, उसको रिवाइव किया जा सकता है। जब तक ब्रेन डेड नहीं है तब तक डॉक्टर भी सर्टिफिकेट देते नहीं ना, उसका रीजन वही है। तो वो जो ब्रेन डेड है मतलब आपकी चेतना खत्म हो गई, तो वो आत्मा है एक तरीके से स्पिरिचुअल एंड फिलोसॉफिकल लैंग्वेज में, साइंटिफिक लैंग्वेज अलग है। इनर कॉन्शियसनेस और सोल, सोल में लिख देता हूं, ठीक है। ये कंसेप्ट क्या है, जीवात्मा है। तो एज अ ह्यूमन बींग्स हमारा नंबर इन्फाइनाइट जरूर नहीं है, बट इट इज डेफिनेटली ट्रिमेंडस। आज पॉपुलेशन को हम काउंट कर सकते हैं, बट अगर बात की जाएगी तो वर्ल्ड या ग्लोबल लेवल पे या इंडिया के लेवल पे भी पॉपुलेशन इज ट्रिमेंडस इफ नॉट इन्फाइनाइट। तो डेफिनेटली एज अ जीवात्मा हमारे दो सेल्फ है, एक आउटर जिसको योगा में भी देखा गया, योगा में भी दोनों चीजों के ऊपर फोकस किया गया, एंड आत्मा जो इनर कॉन्शियसनेस है। और दूसरा आता है परमात्मा, परमात्मा इन द सेंस ब्रह्मांड, ब्रह्म, ब्रह्मन, ब्रह्मन मीन्स सुप्रीम रियलिटी और परमात्मा, ठीक है। और ये जो ब्रह्मन है सुप्रीम रियलिटी या परमात्मा, वो इटर्नल है, वो पहले भी था, समय से पहले भी था, समय के साथ भी है, आगे समय रहे या ना रहे समय के बाद भी रहेगा, उसको बोलते हैं इटर्नल परमात्मा, ठीक है। सेम अगेन वही है, ओमनीप्रेजेंट, ओमनीपोटेंट एंड ओमनीसिएंट, सारा नॉलेज उसके पास है, उस परमात्मा के पास सारा सारे जगह पे वो एग्जिस्ट करता है, ठीक है। एंड साथ ही साथ क्या है कि वो ओमनीसिएंट, ऑल नॉलेजेबल है। और यहां पे क्या कहा गया है, जो परमात्मा है ब्रह्मन, वो सुप्रीम रियलिटी भी है, सुप्रीम आइडेंटिटी भी है, सुप्रीम नॉलेज भी है, और इसलिए वो ब्राह्मीन वर्ड जो आता है, द वन हु हैज नॉलेज, या जो ब्रह्म जानता है वो ब्राह्मीन है। ह्यूमंस में कहीं ना कहीं नॉलेज का सिंबल ब्राह्मीन होता है, फिर उसको कास्ट वगैरह में लाके इनइक्वलिटी वगैरह आई, वो बात अलग है। तो ये सारी चीज है। तो ये जो सुप्रीम रियलिटी है, तो यहाँ पे कहना क्या है, द सो कॉल्ड वेदांत फिलोसफी, कि जो जीवात्मा है और परमात्मा है वो दोनों एक ही है। सो जो अद्वैत का कंसेप्ट है,
जो बाद में शंकराचार्य ने लाया था एडवांस एडवांस लेवल पे, वो बेसिक लेवल पे वेदांता फिलोसॉफी में ये नोट कर सकते हैं। तो वेदांता फिलोसॉफी बिलीव्स इन मोनोइज्म, एज यहाँ पे वो मोनोथेइज्म नहीं है, भले ही वो थेइस्टिक स्कूल है, भगवान में विश्वास करती है, ये ब्राह्मण मतलब भी भगवान है, सुप्रीम क्रिएटर है, पर वो अभी मोनोइज्म की बात कर रही है। मतलब एक दूसरे के लिए, दो जिस्म एक जान, इसका मतलब होता है अद्वैत। जीवात्मा और परमात्मा दोनों अलग नहीं है, दोनों एक ही है। इसको कंसेप्ट को क्या कहते हैं, मोनोइज्म या अद्वैत, अद्वैत या उसका और एक नाम लिखना है नॉन ड्यूअलिज्म। सांख्य ड्यूअलिस्टिक है कि नहीं, सांख्य ने मोनोइज्म से शुरुआत किया था, बाद में क्या सांख्य ने बोला प्रकृति के बिना पुरुष इनकम्प्लीट है, इसलिए पुरुष और प्रकृति ड्यूअलिज्म आ गया। बट अद्वैत क्या है, या वेदांत फिलोसफी अद्वैत है, नॉन ड्यूअलिस्टिक फिलोसफी। और यहाँ पे जीवात्मा और परमात्मा दो है, पर फिलोसफी क्या कहती है, वो दिखने के लिए दो दिखते हैं, एक्चुअली वो दो नहीं है, एक ही है। फिर वो आपको दो क्यों लगते हैं, तो इनका कहना है क्योंकि जिस यूनिवर्स में आप रह रहे हो वो अनरियल है, माया है, इल्यूजन है, ये नोट करिए। यही चीज बाद में शंकराचार्य जी ने फिर से बताई थी, वो हम अलग से देखेंगे, ठीक है। तो यहां पे नोट क्या करना है, ब्रह्मा जो सुप्रीम सोल है, परमात्मा और जीवात्मा दोनों एक ही है, बोथ आर सेम, वन एंड द सेम ओनली, ठीक है। बट अगर सभी सबको लगता है ब्रह्मा अलग है और आपका कहीं ना कहीं जीवात्मा अलग है, आज हमें भी लगता है ना भगवान, हम भी तुरंत भगवान, मतलब हमें क्या लगता है सुपर नेचुरल, हमसे कुछ ज्यादा पावर उसमें है, हमको क्रिएट करने वाला वो है, हम और वो दो अलग आते कि नहीं बात करते वक्त भी, क्यों लगता है, बिकॉज समवेयर वी आर इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, साइकिल ऑफ बर्थ डेथ एंड रिबर्थ में है ना, तो माया में है। तो जीवात्मा यानी हमारे बीच में जो अंदर जो आत्मा है, पर हम लोग अपना ट्रू पोटेंशियल बाहर ला नहीं सकते है, इस मटेरियल वर्ल्ड मोहमाया जाल में फंसे है, तो हमारा ट्रू पोटेंशियल हम बाहर ला नहीं सकते, इसलिए हमें यही दुनिया सही लगती है, और ज्यादा हम जीवों में है, जिन चीजों को हम परसीव कर रहे हैं उसमें ही हम फंसते जाते हैं, और इसलिए बार बार बर्थ डेथ रिबर्थ होते रहता है, हम सुप्रीम सोल के बारे में या ब्रह्म के साथ यूनाइट होने के बारे में सोच ही नहीं पाते, ठीक है। और इसका रीजन क्या है, एक तो माया है, दूसरा इग्नोरेंस यानी अज्ञान, द सो कॉल्ड इग्नोरेंस, ठीक, दैट इज ऑल्सो द रीजन एज टू वाई वी आर नॉट एबल टू डिफ्रेंशिएट एंड डिसाइफर दैट वी आर, वी एंड द सुप्रीम क्रिएटर आर द सेम, वन एंड द सेम ओनली, ये चीज ध्यान में रखनी है। आया ध्यान में, ये बेसिक लेवल पे क्या है, वेदांता में दिया गया है, इसलिए वो मोनोइज्म है यानी अद्वैत है, करेक्ट। और ऑब्वियसली इस हिसाब से हर एक जो जीवात्मा है उसका गोल क्या होना चाहिए, अपना जो जीव है उसके सारे चोचले पूरे करो, पिज्जा खाओ, बर्गर खाओ, जो दुनिया चाहिए सब कुछ करो, आईफोन लो वगैरह सब कुछ लो, पर वही जो चार आश्रम में बोला गया है, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है, आत्मा, इनर कॉन्शियसनेस, प्योरनेस, आत्मा मतलब प्योर, और कहीं ना कहीं जो परमात्मा है सुप्रीम क्रिएटर उसके साथ यूनाइट होना, ये फोकस होना चाहिए। और इसी फोकस के साथ कहीं ना कहीं वेदांत स्कूल ने अपना जो भी आगे का ये दिया था, चीजों के बारे में बोला था, जो शंकराचार्य ने आगे कैरी की थी, वो सब आती है फिर, वो उसमें फिर वो आएंगे कि नॉलेज का पाथ जाना चाहिए या भक्ति का पाथ जाना चाहिए, वो बात की बात होती है। जैसे भगवद गीता भी बोलता है ना कि आप कर्म करो, फिर ज्ञान योग, कर्म योग एंड भक्ति योग, ये तीन चीजें आती है वेदांता के बाद आती है। ज्ञान योग, कर्म योग या भक्ति योग, ये क्यों आती है, ये तीन चीजें वेदांता के बाद आती है, कि ज्ञान का भी पाथ है, कर्म का भी पाथ है और भक्ति का भी पाथ है। तो जो नॉलेजेबल है वो ज्ञान से जा सकता है, जो मोस्ट इलिटरेट वल्नरेबल है, डिप्रेस या ऑप्रेस सेक्शन सोसाइटी के, वो भक्ति में आ गए, एंड जो कर्म का है, जो एक नॉर्मल फैमिली लाइफ का पास होता है, वो कर्म का है कि कर्म करते रहो, फल की अपेक्षा मत करो वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो बात की बात आती है। बट उसका रूट्स कहाँ से आता है, वेदांता फिलोसॉफी से आता है। क्लियर है सबको? हाँ, तो यहाँ पे हमारा सारा डिस्कशन खत्म होता है। यूपीएससी पूछे या ना पूछे, प्री मेंस दोनों के हिसाब से जीएस के लिए मोर देन सफिशियंट है। प्री के लिए और दो चीजें मैं बताता हूँ, दो क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं। जो जैमिनी उनका पूर्व मीमांसा लिखा है ना, उसमें एक चीज लिखनी है, जैमिनी का जो पूर्व मीमांसा है उसके ऊपर एक कमेंट्री लिखी गई थी। इनफैक्ट मीमांसा स्कूल के दो सब स्कूल्स आ गए, एक है कुमारिल भट्ट, उनका नाम लिखिए कुमारिल भट्ट,
उन्होंने जेमिनी का जो पूर्व मीमांसा है स्कूल ऑफ एनालिसिस उसके ऊपर अपनी कमेंट्रीज लिखी थी या अपने थॉट्स दिए थे, ये मेडिवल टाइम्स में दिए थे, अर्ली मेडिवल या मेडिवल टाइम्स में, नॉर्मली 8th सेंचुरी से 12th सेंचुरी के आसपास। तो ये कुमारिला भट्ट जो है तो भट्ट मीमांसा इसको बोलते हैं। फिर वो स्कूल सब स्कूल जो है मीमांसा की वो क्या नाम से फेमस हो गई, भट्ट मीमांसा। ठीक है, ओके। और फिर जो दूसरी है सब स्कूल, और एक दूसरे एक्सपर्ट थे या अथॉरिटी थे, उनका नाम था बेसिकली प्रभाकर मिश्र। प्रभाकर मिश्र उन्होंने भी अपने व्यूज दिए थे मीमांसा के ऊपर, और फिर उनकी स्कूल जो है वो प्रभाकर स्कूल ऑफ थॉट के नाम से आती है अभी। उनकी स्कूल क्या है, प्रभाकर स्कूल ऑफ थॉट से आती है। ठीक है, प्रभाकर मिश्र वो कुमारिला भट्ट ने दिया था, तो उनकी भट्ट मीमांसा कहते हैं उसको। कुमारिला भट्ट ने दिया था ओरिजिनल मीमांसा के ऊपर उनकी कमेंट्री है, कमेंट्री को भाष्य कहा जाता है, कमेंट्री को भाष्य कहा जाता है। तो वो भट्ट मीमांसा हो गई और ये आपकी प्रभाकर मीमांसा हो गई। ठीक है, और एक ऑथर थे, उनका नाम है अपदेव, APADAVA, अपदेव। ठीक है, उन्होंने भी ये जो मीमांसा है उसके ऊपर अपनी कमेंट्रीज लिखी थी, और मैं उसका नाम लिखता हूं, अन्याय प्रकाश मीमांसा। ठीक, बाय अपदेव। अन्याय प्रकाश मीमांसा ये अपदेव ने दी थी, और ये सारे जो स्कूल वगैरह भी बता रहा हूं या कमेंट्री वो पूर्व मीमांसा के है, उत्तर मीमांसा या वेदांता का नहीं है, जैमिनी के मीमांसा का है, इतना ध्यान में रखना है। मतलब बाय चांस अगर यूपीएससी ने आजकल जो लिटरेचर एंड ऑथर के क्वेश्चंस ज्यादा आ रहे हैं उसमें अगर बाय चांस आ गया तो ऐसा वाला क्वेश्चन आपको काम में आएगा। ठीक है, क्लियर है। तो आज के लिए करें कंक्लूड फिर। नहीं, अभी इतना ये सब स्किल्स में हमें इतना जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि फिर वो फिलोसॉफी ऑप्शनल में घुसने जैसा हो जाएगा। ऑफ कोर्स उन हर एक जो कमेंटेटर है उन्होंने जो भी अपने व्यूज वगैरह लाए थे तो उन्होंने अपने हिसाब से कुछ किया होगा, मतलब सब्जेक्टिविटी ऑब्जेक्टिविटी दोनों आएगी, उन्होंने कुछ पैरामीटर्स डेफिनेटली यूज किए हैं कि जिसके हिसाब से उन्होंने सारा कुछ अपना कमेंट्रीज लाई थी। अभी फिलहाल हमें उनमें जाने की जरूरत नहीं है, है ना। हाँ हाँ हाँ, हाँ नहीं नहीं आप इसमें देखिए, योगा को आप आराम से याद रख सकते हो कि योगा बॉडी एंड माइंड सेंसेस इसकी बात करेगा, तो योगा को आप उसी हिसाब से याद रख सकते हो। हाँ, न्याय को आप न्याय वर्ड जो है जस्टिस लॉजिक और रीजनिंग उसके हिसाब से ध्यान में रखो। और न्याय का एक चीज है कि न्याय ने अल्टीमेट मतलब लास्ट मोमेंट तक साइंटिफिक एस्पेक्ट को पकड़ के रखा था। ठीक है, उसके हिसाब से न्याय को ध्यान में रखो। जो पूर्व मीमांसा है उसमें साइंटिफिक एस्पेक्ट है, बट बाद में वो साइंटिफिक एस्पेक्ट भूल गई, वो थोड़ा सा ब्लाइंड फेथ या जैसे वेदांत को आप मानना है आपको इनफेलेबल है उसके ऊपर आ गई, उसके हिसाब से आप मीमांसा को याद रखो। और मीमांसा में सब स्कूल से इस हिसाब से भी उसको याद रखो तो आपको आइडिया लगेगी, बाकी इसमें सब स्कूल्स नहीं है इतने। ठीक है, फिर मीमांसा वेदास के ऊपर फोकस कर रही है
और जो उत्तर मीमांसा है, वेदांता है, वो उपनिषद के ऊपर फोकस कर रहा है। ये बेसिक ये डिफरेंशिएशन ले लो आप। पूर्व और उत्तर क्यों कहते हैं? कि पूर्व मतलब वेदास, उत्तर मतलब आपके उपनिषद। आधार में वैशेषिक का फिजिक्स सिंपल, अटोम, अणु, कीवर्ड्स उसमें ध्यान में रखो आप। बाकी किसी में अणु वणु नहीं है ना, तो उसे आइडिया लगे कि हाँ ये वैशेषिक का है। मॉडर्न फिजिक्स की शुरुआत वहां से होती है। एंड फिर सांख्य तो है ही, पुरुष और प्रकृति, उसके हिसाब से ध्यान रख सकते हो। ड्यूअलिज्म है कि नहीं? ये सर है। और उसका आप माइंड में आप फ्लो चार्ट अपने हिसाब से बनाओ, ताकि क्या है, जैसे मैंने वो अष्टांग योगा के लिए मैंने एक फ्लो चार्ट बना दिया, साइक्लिक फ्लो चार्ट, कि पहले ये है तो क्लॉकवाइज जाना है। पहले यम आएगा, फिर नियम आएगा, फिर आपका क्या आएगा कि आसन आएगा, फिर प्रत्याहार आएगा, एक्सेट्रा ऐसे। तो वो भी आपका सीक्वेंस, आपका लॉजिक भी क्लियर रहेगा। तो माइंड मैप बनाओगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा रिविजन के लिए। अभी अभी जो आपने नोट किया डिस्कशन के टाइम में, वो अभी नोट्स की तरह है, उसको एक बार पढ़ो और फिर माइंड मैप के हिसाब से उसको कहीं ना कहीं डेवलप करो, ताकि वो ज्यादा बेहतर तरीके से रहेगा। और फिर मेंस में उसको आप डिस्क्रिप्शन में यूज कर सकते हो एज अ डिस्क्रिप्टिव आंसर, क्योंकि मेंस में भी अभी आने का चांस है इसके बारे में। प्री में भी आ सकता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली। ठीक है, क्लियर है? ओके देन, थैंक यू वेरी मच। तो इसके बाद आपको वो ये चाहिए अद्वैत वगैरह का क्लास, तो ठीक है, मैं एक बार सर से बात करता हूँ, है ना? तो फिर वो भी एक सेशन ले सकते हैं हम लोग। हालांकि भक्ति पूछ नहीं रहे, बट वो इम्पोर्टेंट पार्ट तो जरूर है, तो वी कैन डिस्कस अबाउट दैट। मतलब मैं फोकस सिर्फ वो फिलोसॉफी के ऊपर रखूंगा, सारे भक्ति मोमेंट में नहीं जाऊंगा, वरना फिर कन्फ्यूजन हो जाएगा वो, क्योंकि पहले 5-6 जो फिलोसॉफर्स है उनका ही वो टेक्निकल एस्पेक्ट है। बाकी तो भक्ति मूवमेंट का तो लगभग सिंपल ही है, सबका फोकस एक ही है, जेंडर एम्पावरमेंट, कास्ट के ऊपर, और डिवोशन, लव, ह्यूमैनिटी, ये कॉमन चीजें हैं। इनफैक्ट भक्ति मूवमेंट बहुत सिंपल मैनर में पढ़ सकते हैं आप। ठीक, जो पहले जो 5-6 है कंसेप्ट फिलोसॉफी के, ये सारे वेदांत से आएंगे। यही ये 6 स्कूल्स जो देखे उसका ही कंटिन्यूशन वो रहेगा। तो अद्वैत एग्जैक्टली शंकराचार्य के हिसाब में हिसाब से कैसे है, विशिष्ट अद्वैत जो रामानुज आचार्य लेके आए थे वो कैसे है, फिर मध्वाचार्य जो है वो तत्ववाद या द्वैत लेके आए थे, ठीक है, ड्यूअलिज्म जैसे सांख्य का है वैसे वो क्या है, फिर द्वैत अद्वैत, यानी पहले पहले द्वैत यानी ड्यूअलिज्म, फिर अद्वैत मोनोइज्म ये क्या है वो देखना है, फिर शुद्ध अद्वैत जो वल्लभाचार्य लेके आए, एंड फिर चैतन्य महाप्रभु लेके आए थे अचिंत्य भेद अभेद। नाम से ही थोड़ा सा डर लगेगा, तो वो डर बिल्कुल रखना नहीं है। वो क्या है, बेसिक बेसिक लेवल पे जैसे आज देखा वैसे ही हम देखेंगे, है ना? तो वो भी 2-2.5 घंटे में हमारा हो जाएगा अच्छे से। तो वो क्लास हम कब कर सकते हैं हम देखेंगे, नेक्स्ट वीक में ही पॉसिबल होगा। सो यू विल गेट अ मैसेज। ठीक है, चलिए फिर, थैंक यू वेरी मच। हाँ हाँ नहीं, एक दूसरा भक्ति सेंस के बारे में जहां पे आती है ना उतना ही देखना है, बाकी ओवरऑल कार्नाटिक म्यूजिक में जाने की जरूरत नहीं है। वैसे तो टेक्निकल डिफरेंशिएशन आता है हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में क्या होता है, कार्नाटिक म्यूजिक में क्या है, बट उतना टेक्निकल यूपीएससी जा नहीं रही है। ये है तो भक्ति सेंस के हिसाब से कोई सॉन्ग्स वगैरह जो रचे गए तो उसके हिसाब से थोड़ा सा कार्नाटिक म्यूजिक का आएगा, लेकिन वो भी म्यूजिक का टेक्निकल एस्पेक्ट नहीं आएगा। ऐसे एक क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको, क्वेश्चन अपने पास शायद है, एक क्वेश्चन, हाँ ये देखिए 2018 का क्वेश्चन है, भक्ति सेन के बारे में पूछा है। त्यागराज कृति, कृति मतलब यहाँ पे कंपोजिशन, क्रिएशन यानी कृति, त्यागराज सेन का नाम है, 18 सेंचुरी की ये सेंट है। दे आर डिवोशनल सॉन्ग्स इन द प्रेज ऑफ लॉर्ड कृष्ण। ये जो सॉन्ग्स बनाए गए वो कार्नाटिक म्यूजिक के बेसिस पे उसको गाया जाता है, बट वो टेक्निकल एस्पेक्ट यूपीएससी नहीं पूछ रही है, भक्ति सेंट की तरफ से क्या कंपोजिशन किया गया है वो पूछा गया है। त्यागराजा क्रिएटेड सेवरल न्यू रागाज, तो सॉन्ग से तो राग वगैरह आता है, जैसे तानसेन का देखा, अमीर खुसरो का देखा। क्यों देखा? क्योंकि वहां पे वो रागाज के बारे में कहीं ना कहीं क्लियर मेंशन है। कार्नाटिक म्यूजिक में जो रागाज वगैरह है वो बहुत ज्यादा टेक्निकल एंड कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे, एक तो तमिल लैंग्वेज या साउथ इंडियन लैंग्वेज के हिसाब से भी। एंड कार्नाटिक म्यूजिक में है कि जैसे हमने देखा हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में इनोवेशंस अलाउड है,
कार्नाटिक म्यूजिक में इनोवेशन अलाउड नहीं है, इसलिए वो टू मच टेक्निकल हो जाता है, इसलिए यूपीएससी उसको नहीं पूछेगी आपको, ठीक है। एंड फिर अन्नमाचार्य एंड त्यागराजा, दे आर कंटेम्पररीज, दो भक्ति सेंट्स के बारे में, साउथ के दोनों भक्ति सेंट्स है, दोनों के दोनों कंटेम्पररी है या नहीं ये पूछा है। एंड अन्नमाचार्य कीर्तन्स, त्यागराजा के जो सॉन्ग्स है उसके कृति बोला है, अन्नमाचार्य के जो कंपोजिशन है डिवोशनल सॉन्ग्स उसको कीर्तन कहा गया है। दे आर इन प्रेज ऑफ लॉर्ड वेंकटेश्वरा, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है ये क्वेश्चन पूछा है, तो इस तरीके से वो क्वेश्चन आएगा। इसका मैं आंसर बता देता हूं, त्यागराज 18 सेंचुरी में है, अन्नमाचार्य 15 सेंचुरी में उनको रखा गया है, क्योंकि क्लियर इन्फॉर्मेशन उनके बारे में नहीं है, लेकिन जो भी लिमिटेड इन्फॉर्मेशन या नॉलेज साउथ में लोगों को है, जो भी एविडेंसेस मिलते हैं वो अराउंड 15 सेंचुरी है, तो दोनों एक दूसरे के कंटेम्पररी हो ही नहीं सकते। तो अगर ये कहीं ना कहीं अगर पढ़ा होगा तो आप एलिमिनेशन के लिए जा सकते हो, तीन जाएगा तो अपने आप बी आंसर आपके सामने आएगा, उसका आंसर बी है, क्योंकि अन्नमाचार्य फीमेल सेंट है, त्यागराजा मेल सेंट है, एक त्यागराजा 18 सेंचुरी में थे, अन्नमाचार्य 15 सेंचुरी में थी। त्यागराज जो है उनकी कृति लॉर्ड रामा के प्रेज में है, भगवान राम के वो भक्त है। वैष्णविज्म के अंदर भी हमारे पास कृष्ण भक्ति है एंड राम भक्ति है, जैसे तुलसीदास हो गए रामचरितमानस, वो भगवान राम को सुप्रीम गॉड मानते थे। कृष्ण भक्ति की बात करेंगे तो वल्लभाचार्य है हमारे पास, सूरदास है, मीराबाई है, ये कृष्ण भक्ति के सेंट है, वो भगवान कृष्ण को सुप्रीम मानते थे। वैष्णविज्म के अंदर भी डिफरेंस आता है, एक तो शैविज्म और वैष्णविज्म भी आता है, और एक वैष्णविज्म के अंदर कृष्ण और राम भक्ति, तो त्यागराज राम भक्ति में विश्वास करते थे, तो राम भक्ति के प्रेज में उन्होंने सॉन्ग्स लिखे, उसको कृति कहा जाता है, इसलिए पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है। त्यागराज ने अलग अलग नए राग्स डेवलप किए थे, क्योंकि कार्नाटिक म्यूजिक के ही वो कहीं ना कहीं उसको उसको उन्होंने कैरी किया था उस ट्रेडिशन को, तो न्यू रागास डेवलप करके उसकी डायवर्सिटी को उन्होंने बढ़ाया, ये सही है, सेकंड सही है। तीसरा, अन्नमाचार्य और त्यागराज कंटेम्पररी नहीं हो सकते। चौथा, अन्नमाचार्य के जो कीर्तन से वो डिवोशनल सॉन्ग से इन अ प्रेज ऑफ लॉर्ड वेंकटेश्वरा, क्योंकि अन्नमाचार्य कृष्ण भक्ति में फोकस करती थी, यानी अगर आप देखते हो तो राम भक्ति में सेंट्स बहुत कम है, कृष्ण भक्ति के सेंट्स ही आपको ज्यादा मिलते हैं। तो वेंकटेश्वरा यानी तिरुपति बालाजी, ये भगवान विष्णु का अवतार है या रूप माना जाता है, वो कृष्ण भक्ति में विश्वास करती थी, तो लॉर्ड वेंकटेश्वरा वो सही है, 2 और 4 आपका आंसर आता है। अगर पूछेंगे तो ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, ये चीज ध्यान में रखना है, ठीक है। आपको कार्नाटिक म्यूजिक के टेक्निकल एस्पेक्ट्स के ऊपर क्वेश्चन आएगा, लगभग संभावना बहुत ही कम है। हाँ, अगर आपका सारा हिस्ट्री का प्रिपरेशन अच्छा हुआ है और फिर आपको लगता है कि मैं मुझे कुछ एडिशनल पढ़ना चाहिए, तो फिर आप कार्नाटिक म्यूजिक और हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक का डिफरेंस देख लो, अदरवाइज यूपीएससी के ट्रेंड के हिसाब से जाने की जरूरत नहीं है। थोड़ा वो एक्स्ट्रा करने के चक्कर में हमारा बना बनाया प्रिपरेशन खराब नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमको सिर्फ हिस्ट्री नहीं है, बाकी सारा भी पढ़ना है, बाकी सब्जेक्ट्स, क्लियर है। हाँ, वो उस समय हिंदू में आया था, आर्ट एंड कल्चर सेक्शन में, तो उससे लिया था, मतलब न्यूज में चाहिए ऐसा भी नहीं है, कहीं ना कहीं मान लीजिए 300-350 साल हो गए किसी भक्ति सेंट के वगैरह, उस हिसाब से भी अगर वो न्यूज में है तो उसके हिसाब से भी वो पूछा जाता है, ठीक है। पर अभी आजकल यूपीएससी वो न्यूज में है वो चीजें पूछती भी नहीं है, ये भी हुआ है, पर फिर भी अगर जो न्यूज पेपर तो हम पढ़ते ही है, बाई चांस अगर कोई न्यूज में है, जैसे अभी सेंट रविदास का है जो लास्ट टेस्ट में आपका क्वेश्चन भी आया था, वो क्वेश्चन लाया था इसीलिए लाया गया था, सेंट रविदास जो है उनका स्टैचू जो है उसका इनॉग्रेशन हुआ है, मोदी जी ने ही किया है, तो सेंट रविदास, ये रामानंद नाम के जो भक्ति सेंट है ना, जिन्होंने राम इंडिया में राम भक्ति की शुरुआत सेंट रामानंद ने की थी, और रामानंद जो है उनके भक्त कबीर भी थे और रविदास भी थे, और कबीर रविदास दोनों ही लोअर कास्ट से आते थे, तो रविदास जी जो है जिनको रायदास भी कहते, गुरु रायदास, वो न्यूज में है, वो लोअर कास्ट जो होती है जो सेक्शन है उनके सेंट माने गए हैं, तो डेफिनेटली क्या है क्वेश्चन आ भी सकता है। जैसे वल्लभाचार्य जो है उनका स्टैच्यू 2022 में मोदी जी ने बनवाया था शायद हैदराबाद में, तो यूपीएससी ने तुरंत पूछ लिया था, तो पूछ भी सकती है नहीं भी पूछ सकती है, तो इस बार सेंट रविदास ध्यान में रखिए। गरबा को शायद GI रिकॉग्निशन मिला है, तो गरबा एज अ फोक डांस थोड़ा सा देख सकते हैं, तो ये चीज आप हमें देखना ही है, पूछे या ना पूछे, न्यूज में है तो करंट अफेयर्स तो पढ़ते ही है,
उतना देख सकते हैं आप, ठीक है। बाकी अभी फिलहाल कोई भक्ति सेंट वगैरह ऐसा नहीं है कि जिनके 300 साल 350 साल वगैरह कुछ पूरे हुए हैं या उनके बारे में कुछ पूछ सकते हैं, या बाय चांस उनके नाम से कोई अवार्ड चालू किया या कोई नया पोस्ट ऑफिस का स्टैंप वगैरह इशू किया गया तो पीआईबीएम वगैरह आते रहेगा, तो फिर उसको हम पढ़ सकते हैं, अदरवाइज जाने की जरूरत नहीं है। ओवरऑल भक्ति मूवमेंट में तो सारा कवर हो ही जाता है। क्लियर है? ओके, थैंक यू वेरी मच, फिर मिलेंगे।